हेलो एंड वेलकम टू पी वाई क्यूपीडिया जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग थर्टी डेज जो लास्ट थर्टी डेज है इन्फोर्समेंट ऑफ़िसर अकाउंट ऑफ़िसर ए के एग्ज़ाम के उसमें हम एक रैपिड रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हमारा टारगेट है कि अराउंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड क्वेश्चन जो यू के वेरियस एग्जामिनेशन जैसे कि आप एल की एग्ज़ाम होती है जिसमें लेबर लॉ के क्वेश्चन पूछते हैं एल की एग्ज़ाम होती है चाहे आप लीगल एनालिस्ट के होते हैं वहाँ पे भी लेबर लॉज के इन्वेस्टेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बाद अकाउंटेंसी के क्वेश्चन भी अभी जहाँ जहाँ जो जो एग्ज़ाम यू कंडक्ट कराती है जिसमें अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बाकी जो सिलेबस में है पॉलिटी इकोनॉमी जो यू पी एस सी वेरियस एग्ज़ामिनेसन कंडक्ट कराती है जैसे एन है सी ए पी एफ है है ना तो सिविल uh, सर्विसेज है सी है तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और हमारा टारगेट है कि तीस दिन में हम लोग पच्चीस सौ क्वेश्चन करेंगे देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हुई इज सेंग की टेस्ट सीरीज तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप पच्चीस अगर आप एक टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो वन ट्वेंटी क्वेश्चन है उसमें अगर आप बीस टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड क्वेश्चन ठीक है।, है तो हम लोग अगर पच्चीस सौ क्वेश्चन कर रहे हैं और हर टॉपिक से करेंगे जैसे कि फर्स्ट थ्री डेज जो है हमने दस टॉपिक में डिवाइड किया है जो पहला तीन डे है उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन लेवल लॉज के क्वेश्चन करेंगे अराउंड टू हंड्रेड फिफ्टी क्वेश्चन हम लोगों का करने का टारगेट है देन फिर हम अकाउंटेंसी का करेंगे अकाउंटेंसी में जब अगर हमें क्वेश्चन अगर नहीं मिलेगा ढाई सौ तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एन सी आर टी के क्वेश्चन उसमें करेंगे इसके बाद आपको सोशल सिक्योरिटी पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ग्लोबलाइजेशन पे पॉपुलेशन पे एंड आपको फिर बाकी इंग्लिश पे भी क्वेश्चन करने हैं हमें मैथमेटिक्स पे स्टैटिस्टिक पे क्वेश्चन करने हैं इंडियन uh, पॉलिटी पे इकोनॉमी पे क्वेश्चन करने हैं जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन तो जो भी सिलेबस है जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो सिलेबस uh, है उस, उसको हमने दस भाग में बांटे हैं और हर पार्ट को हम लोगों ने तीन तीन दे दिया है तो फर्स्ट थ्री डेज जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लाज हम लोग तीन दिन में अराउंड टू फिफ्टी क्वेश्चन करेंगे और ये सारे टू फिफ्टी क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन से कंडक्ट ली गई है तो आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं नाउ इसकी पी आप जब वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आपको पी टेलीग्राम चैनल जो पी वाई क्यू अंडर स्कोर है वहाँ पे ये अपलोड कर दी गई है सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास और तो इन फर्स्ट क्लास माय सजेशन इज़ दैट कि आप क्या करो कि एक कॉपी uh, एंड एक पेन लेकर के बैठो साथ में कि नोटबुक अगर आपको रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि क्वेश्चन हम साठ सत्तर ही करेंगे बट उसमें आपको इन्फॉमेशन दो सौ क्वेश्चन के मिल जाएंगे तो आप उसको नोट डाउन करो या आप इसका प्रिंट आउट करो जिससे कि आप रिविज़न कर सकते हो ठीक है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लानीशन में लिखी है ठीक है हर आपको जितनी भी ऑप्शनस हैं उसको हमने एक्सप्लेन किया है और मैं इतना श्योर हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन लेबर लॉ इंडस्ट्री रिलेशन से आएंगे वो वहीं से आएंगे आपको कहीं और से वो क्वेश्चन नहीं आने जा रहे हैं ठीक है सो ये आप नोट नोट जरूर बनाइए द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू से यू दैट कि ये आठ बजे डेली आएगी ठीक है डेली एट पी एम पे आएगी तो आप ट्राई कीजिए कि जब ये आती है उसी समय देख करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आप अगर बैकलॉग कर लोगे तो मैंने बहुत देखे हैं कि बैकलॉग वो कभी पूरा होता नहीं है तो हर दिन आप बाकी जो पढ़ रहे हो पढ़ो बाकी ये सौ दो सौ जो भी क्वेश्चन हम अस्सी नब्बे जो भी एक दिन में करेंगे ठीक है ऑन एन एवरेज वो आप जरूर कर लो उसके नोट्स बना लो एंड देन फिर उसको रिवीजन करो क्योंकि ये तीस जून तक चलेगा तो आपको थर्टी जून तक आपको बैकलॉग आप रखोगे तो आप ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन या दो दिन में कर पाओगे ओके सो दैट्स माय सजेशन ऐसा नहीं करना है कि नहीं नहीं कल देख लेंगे परसों देख लेंगे तो ट्राई कीजिए इसीलिए एट पी किया गया था कि देर आर पीपल्स हु आर वर्किंग उनको भी इसका बेनिफिट मिले कि आठ बजे वो भी अगर ऑफिस जाते हैं तो आ जाते हैं और आठ बजे आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी और पी भी आपको मिल जाएगी ओके okay? सो so, और जो हिंदी इंग्लिश के लिए जो कन्फ्यूजन थी तो जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो इंग्लिस में हिंदी में करूँगा ठीक है और जो आपकी एक्सप्लानीशन है वो इंग्लिश में है और क्वेश्चन हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं, तो जो द पीपल्स फ्रॉम द साउथ ठीक है उनको आपको इंग्लिश में एक्सप्लानीशन मिल जाएगी तो उनको बेनिफिट हो गई एंड जो लोग Uh, जिनको हिंदी चाहिए था उनको भी हिंदी uh, में क्वेश्चन है और मेरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगी तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी सो दिस इज़ द फर्स्ट डे और uh, आप ये प्रॉम ये अपने आप को एक कमिट कीजिए कि ये हम हर दिन जब जैसे ही स्टार्ट होगा आठ बजे तो हम दस बजे तक जब भी एक घंटे दो घंटे की होगी वो हम कम्प्लीट कर लेंगे ओके okay? ये आपको एड ऑन करेगा आपकी प्रिपरेशन में ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओके सो पहला क्वेश्चन ये है अब एक चीज़ और आपको ये समझ के रखना है कि जो भी क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाली नहीं है क्योंकि हर क्वेश्चन यू से ही ली गई है यू किसी न किसी एग्जामिनेशन से ली गई है तो आप अगर इसको छोड़ रहे हो तो दैट्स मीन्स आप गलती कर रहे हो ये कोई टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नहीं है जो हम कहीं से भी उठा रहे हैं और उसका कुछ भी है आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ऐसा नहीं है तो आप इसको बहुत सही से करेंगे इसके नोट्स बनाएंगे ओके okay? ठीक है सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लानेशन इज इंडिकेटेड बाई द टर्म वेलफेयर एज अ टोटल कॉन्सेप्ट अब वेलफेयर एज अ टोटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है ठीक है तो इसमें से कौन सा ऐसा एक्सप्लानशन है चार ऑप्शन है हमारे पास में जिसमें वेलफेयर को टोटल कॉन्सेप्ट एज अ टोटल कॉन्सेप्ट बताया है ठीक है सो इट इज अ डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन्वॉल्विंग फिजिकल मेंटल मोरल एंड इमोशनल वेलविंग सो दिस इज द आंसर टोटल कॉन्सेप्ट क्या है कि लेबर वेलफेयर की जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो है इन्वॉल्विंग फिजिकल आपकी फिजिकल वेलविंग well किसी इंडिविजुअल का मेंटल वेलविंग well मोरल और इमोशनल वेलफेयरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स के का पूरी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर है नाउ इसमें जो बाकी ऑप्शन है जैसे कि इट इज़ द वेलफेयर ऑफ मैन हिज फैमिली ये है आपका लेबर वेलफेयर का वेलफेयर का सोशियल कॉन्सेप्ट दिस इज़ द दोशियल कॉन्सेप्ट तो अगर आपसे पूछता है कि टोटल कॉन्सेप्ट वेलफेयर है जो टोटल कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है पूछता है कि सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर क्या है तो आप फिर बोलोगे सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ये क्या है वेलफेयर ऑफ मैन हिज फैमिली और एंड कम्युनिटी ठीक है इसके बाद इट इज कॉन्टेंजेंट अपॉन टाइम एंड स्पेस ठीक है ना सो so, ये भी uh, ये भी वेलफेयर है ये होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट वेलफेयर का रिलेटिव कॉन्सेप्ट कि कंट्री टू कंट्री वेलफेयर डिफरेंट होते हैं है ना यूएस में वेलफेयर कुछ और है है ना यहाँ पे वेलफेयर इंडिया में लेबर की वेलफेयर के लिए कुछ और करनी है, है ना सो दैट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट तो अगर आपसे यहाँ पूछता है कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होगा तो आप ये लिख सकते हो नाउ ठीक है इसके बाद क्या है इट डिमांड्स सर्टेन मिनिमम एक्सेप्टेबल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस बायोलॉजिकली एंड सोशली दिस इज द पॉजिटिव कन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ठीक है तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपसे कभी पूछता है कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर क्या है तो वो भी आप बता सकते हो रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या है कि जगह जगह पे समय समय पे चेंज होती है वेलफेयर ठीक है इसके बाद अगर सोशल कॉन्सेप्ट है मतलब पूरी कम्युनिटी का उस इंसान वेलफेयर ऑफ द मैन उसकी फैमिली और पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के बात कर रहे हैं और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर में है कि कुछ एक मिनिमम एक्सेप्टेबल कंडीशन होना चाहिए जिसमें कि आपको बेसिक चीज़ें होनी चाहिए है ना रोटी कपड़ा मकान है ना तो वो है एग्जिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकली और बायोलॉजिकली और सोशली एग्जिस्ट करने के लिए जो मिनिमम कंडीशन है वो होने चाहिए ठीक है तो ये है आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है या सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर या वेलफेयर एज अ टोटल कॉन्सेप्ट टोटल कॉन्सेप्ट में सब कुछ आ जाएगा तो आंसर क्या हो गया ए आपको हिंदी में भी दिया हुआ है आप इसको समझ सकते हैं नाउ वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो व्हाट इज़ द लेबर वेलफेयर लेबर वेलफेयर ये होता है अगर लेबर वेलफेयर की बात करें तो तो लेबर वेलफेयर ये होता है कि आप आपको अगर जैसा जैसे कि कुछ भी आप कर रहे हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल फिजिकल मॉरल या इकोनॉमिक बेटरमेंट किसके वर्कर्स के लिए वर्कर की इंटेलेक्चुअल बेनिफिट या फिजिकल या मोरल बेटरमेंट के लिए अगर आप या इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए कोई काम कर रहे हो कौन कर सकता है या तो कोई एम्प्लॉयर कर रहा है या गवर्नमेंट कर रहा है या कोई अदर एजेंसी अगर कर रहा है ठीक है ना या उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो उस बेसिस पे आप कर रहे हो दैट्स अ लेबर वेलफेयर ओके सो दिस इज एक्सप्लानीशन इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगला क्वेश्चन है ओके okay. सो so, ये क्वेश्चन है जो थ्योरी ऑफ वेलफेयर पे है तो अब थ्योरी ऑफ वेलफेयर के लिए मैं कोई अलग सा वीडियो नहीं बना रहा थीरी ऑफ़ वेलफेयर मैं आपको इसी में समझा दे रहा कि थ्योरी ऑफ वेलफेयर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें से सॉल्व हो जाने चाहिए क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसको पूरी तरह अच्छी तरह से कर लो एटोनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट आर टू को इक्वल एस्पेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबर वेलफेयर थ्योरी किस लेबर वेलफेयर थ्योरी के दो एस्पेक्ट हैं है ना कौन कौन एटोनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट सी अटोनमेंट uh, का मतलब होता है प्रायश्चित करना है ना प्रायश्चित करना कहते हैं ना कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको बाद में उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा ठीक है अब इसमें क्या है कि लेबर वेलफेयर की जो थ्योरी है वो टोटल सात थ्योरी है है ना इसमें चार थ्योरी दिया हुआ है और सात थ्योरी कौन कौन तीन बाकी है फिल्म्रॉफिक थ्योरी एक है ठीक है प्लेकेटिंग थ्योरी है पब्लिक रिलेशन पब्लिक रिलेशन थ्योरी है रिलीजियस थ्योरी है और एक क्या है द पुलिस थ्योरी ठीक है इसके बाद क्या है आपको एक है ट्रस्ट सिप थ्योरी ट्रस्ट सिप थ्योरी एक पाँच हो गए छः हो गए और एक है द फंक्शनल थ्योरी ठीक है अब इस पर दो तीन क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप इसमें दो तीन क्वेश्चन कर सकते हो नौ फिर पहला हम बात करते हैं कि पुलिस थ्योरी क्या है ठीक है तो पुलिस थ्योरी क्या है कि जैसे कि पुलिस थ्योरी कहता है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए वेलफेयर का जो लेबर के लिए ज़रूरत है मतलब एक ज़रूरत का मेसिक बेसिक चीज़ें होना चाहिए ऐसा ये मानता है और ये ऐसा मानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉयर्स हैं वो अगर बेसिक मिनिमम भी आप नहीं दे रहे हो वेलफेयर एम्यूनिटी जैसे जो वेलफेयर के जो लेबर को या वर्कर को जो मिनिमम चीज़ें चाहिए वो भी अगर आप नहीं दे सकते हो तो आप समझिए कि उसमें आपको पेरियोडिकल सुपरविज़न होनी चाहिए है ना गवर्नमेंट का जिसकी कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है और इसी थ्योरी में कह रहे इसी थ्योरी में एक चीज़ कहते बोला गया है कि मैन uh, जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है और सेल्फिश है और वो अपनी फ़ायदे के लिए ठीक है ना अपनी फायदे के लिए किसी के वेलफेयर के कॉस्ट पे भी जा सकता है मतलब किसी का फ़ायदा उठा सकता है डैट्स अ पुलिस थ्योरी है ना तो ये ऐसा कहता है पुलिस थ्योरी कि मिनिमम स्टैंडर्ड देनी चाहिए बट ये भी ऐसा मानता है कि अगर एम्प्लॉयर को अगर आप कंपल्सन नहीं दोगे या अगर आप किसी एक्ट का डर नहीं होगा जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है या कोई भी एक्ट है अगर मान लीजिए पेडोटिकल गवर्नमेंट सुपरविजन नहीं करती है या उसको डर नहीं दिखाती है कि अगर तुम अगर बेसिक चीज़ें नहीं दोगे तो तुम्हें पनिश कर किया जाएगा तो वो इवन जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो भी नहीं देगा ठीक है क्योंकि इसमें माना गया है कि मैन जो है सेल्फ सेंटर है वो अपनी फायदे के लिए किसी का भी वेलफेयर को हटा सकता है ठीक है ना तो ये पुलिस थ्योरी कहती है ठीक है इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक रिलीजियस थ्योरी पे ठीक है सो रिलीजियस थ्योरी क्या कहता है कि आज के डेट में भी मैन जो है वो रिलीजियस एनिमल है उनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे है ना तो हमें उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा है ना अटोनमेंट है ना या अगर मान लीजिए कि गलत किए तो आपको उसको प्रायश्चित करना है है ना तो किसी के लिए वेलफेयर करना है ठीक है ये मैन सोचता है ठीक है और दूसरा चीज़ क्या है कि जो लोग मान लीजिए गलत नहीं करता है तो वो ये सोचता है कि अगर अभी अभी हम अच्छा करेंगे तो अगले जन्म या बाद में हमें अच्छा मिलेगा डू गुड टू अदर्स इट कम्स एज अ गुड फॉर यू ये हम लोग किए हैं सो दैट्स अ रिलीजियस थ्योरी मतलब रिलीजियस थ्योरी में है कि मैन जो है एक रिलीजियस एनिमल है और जो वेलफेयर वर्क लोग करते हैं वो इस बात से भी करते हैं कि हम जो गलत किए हैं है, है ना जो सीन्स किए हैं उसकी प्रायश्चित के लिए हम ये काम कर रहे हैं या हम ये काम कर रहे हैं कि आगे जो है हमें उसका फ़ायदा होगा सो इन्वेस्टमेंट एंड एटोनमेंट ये जो है वो रिलीजियस थ्योरी के दो एस्पेक्ट हैं तो ये तो क्वेश्चन बन गया पुलिस थ्योरी रिलीजियस थ्योरी हमने देख लिया अब है एक फिलेंथ्रॉफिक थ्योरी फिलेंथ्रॉफिक थ्योरी कहता है कि मैं मैन लव फॉर मैन काइंड अगर मान लीजिए कि, कि किसी को आप देख रहे हो जैसे कि बहुत सारे जो लेबर मूवमेंट में लेबर वेलफेयर के मूवमेंट में जो लोग बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे जैसे महात्मा गांधी भी थे और भी बहुत सारे लोग थे तो वो लोग रॉबर्ट ओवेन थे तो वो कोई उन वो लेबर नहीं थे बट फिलेंथ्रॉफिक थ्योरी कहती है कि जब हम दूसरे का कष्ट देखते हैं सो मैन लव फॉर मैन काइंड अगर दूसरे का आप कष्ट देखते हो तो आप क्या करते हो कि आप मूवमेंट उसकी वेलफेयर के लिए कि भाई इसको कुछ नहीं मिल रहा है या इसको प्रॉब्लम है उसके लिए आप रिवॉल्यूशन करते हो है ना तो जैसे रॉबर्ट वोविन ने किया था है ना और आपको जो सो महात्मा गांधी ने भी किया था है ना कि लेबर के वेलफेयर के लिए तो दैट्स अ फिलेंथ्रॉफिक थ्योरी मतलब कोई तीसरा आदमी लेबर के लिए अगर आपको उस पर दया आ रही है तभी आप उसके लिए जाकर के रिवोल्यूशन कर रहे हो सो दैट्स अ फिलेथ्रॉफिक थ्योरी ठीक है एक एक लाइन में आप सब याद रखें इसके बाद बात करते हैं ट्रस्टशिप थ्योरी ट्रस्टिप थी ट्रस्टशिप जो थ्योरी है वो त्रस्टिप थ्योरी को हम लोग बोलते हैं पैटेरनलिस्टिक थ्योरी ठीक है सो पैटरनलिस्टिक थ्योरी क्या होती है ये कहता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ठीक है, है ना या जो एम्प्लॉयर होता है वो उनकी पूरी आ, क्या कहते हैं जो पूरी इंडस्ट्री है या उस पर जितनी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या प्रॉफिट है है ना वो सब उसमें ट्रस्ट में है ना ट्रस्ट में रख दिया और उसमें से वो यूज करता है अपने और वर्कर्स के बेनिफिट के लिए आप देखते हो ट्रस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के आ, बहुत सारे इंडस्ट्रियल खोलते हैं है ना सो दैट्स दैट्स द ट्रस्ट थ्योरी इसके बाद है प्लेकेटिंग थ्योरी सो so, प्लैकेटिंग थ्योरी क्या होता है प्लेकेटिंग थ्योरी है कि जैसे कि आ, बहुत सारे कुछ लेबर ग्रुप जैसे आपको कुछ वेलफेयर नहीं मिल रही है कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एक लेबर ग्रुप क्या करेगा मिलिटेंट uh, हो जाएगा मतलब कि तोड़ फोड़ आप ये सब करने लगे है ना क्योंकि तो फिर आपको जो इंडस्ट्री होगी वो देखेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण ये आ, बदमाशी कर रहे हैं तो वो फिर क्या करेंगे कि आपको वो वेलफेयर जो भी चीज़ें आप मांगोगे वो दे देंगे ठीक है सो so, डिमांडिंग हो गए क्योंकि पीपल्स आर न्यू नाउ न्यू दैट uh, कि वट इज़ देयर राइट व्हाट इज़ द प्रिविलेज है ना पहले उनको पता नहीं था बट अब ये है तो प्लेकेटिंग थ्योरी कहता है कि वो हल्ला गुल्ला कर करके आप किसी भी चीज़ को वेलफेयर चीज़ को ले लेते हैं सो दैट्स अ प्लेकेटिंग थ्योरी इसके बाद है आपको द पब्लिक रिलेशन थ्योरी पब्लिक रिलेशन थ्योरी कहता है कि जो मैनेजमेंट्स हैं और पब्लिक हैं चाहे लेबर है और मैनेजमेंट है उनकी जो रिलेशन uh, हो वो गुडविल हो कि मतलब uh, वो सारा चीज़ें करें और उसको देख करके है ना लेबर वेलफेयर की हमने अपनी लेबर के लिए हमने अपने लेबर के लिए ये किया है है ना हमने लेबर को ये दिया है वो एडवर्टीजमेंट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि उस इंडस्ट्रीज का गुडविल भी बढ़ेगा कि वो जो फंड इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उन्होंने आ, क्या कहते हैं कि लेबर के लिए बहुत कुछ किया है और उनका और जो लेबर का है वो रिलेशन बहुत सही है उससे पब्लिक को भी अच्छा लगता है कि ये लेबर लोगों के लिए या वर्कर्स लोगों के लिए इतना चीज़ें कर रहे हैं दैट्स अ पब्लिक रिलेशन थ्योरी उनसे उनको फायदा मिल जाता है ठीक है वो एडवर्टाइज करते हैं कि हमने लेबर के लिए ये ये सब किया है तो उससे पब्लिक का भी रिलेशन उनसे अच्छा होता है दैट्स अ पब्लिक रिलेशन थ्योरी एंड द लास्ट वन इज द फंक्शनल थ्योरी और फंक्शनल थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इफ़िशियंसी थ्योरी भी ठीक है सो इफ़िशियंसी थ्योरी क्या होता है आ, जैसे वेलफेयर वर्क जो है जैसे मान लेते हैं कि अगर आप कुछ वेलफेयर वर्क दे रहे हो जैसे आप अच्छी दे रहे हो जैसे मान लो कि पहले आपको पंखे लगे हुई थे ठीक है ना अब अगर पंखे लगे हुए थे तो काम गर्मी है तो काम कम हो रहा था फिर आपने क्या किया इंडस्ट्रियलिस्ट या एम्प्लॉयर ने क्या किया ए लगवा दिया तो ए लगवा दिया तो क्या हुआ कि वेलफेयर वर्क उससे क्या हुआ कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो इसकी इफिशियंसी बढ़ गई है ना और प्रोडक्टिविटी लेवल की बढ़ गई सो दैट्स अ इस तरह की वेलफेयर भी होती है सो दैट्स अ फंक्शनल थ्योरी सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ वेलफेयर अब इस पर क्वेश्चन आएंगे तीन चार क्वेश्चन तो अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा बट इस पर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है ये आपको सारी चीज़ जो मैंने बताई है वो यहाँ पर नोट है इन्वेस्टमेंट और टेनमोट ये हमने अंडरलाइन किया है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ़ लेबर वेलफेयर इज कॉल्ड इफिशियंसी थ्योरी मैंने अभी कहा है कि फंक्शनल थ्योरी जो है उसको एफिशियसी थ्योरी बोलते हैं कि अगर वेलफेयर वर्क है ना इस, इसलिए किया जाता है कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए या लेबर की इफिशियंसी बढ़ जाए ठीक है सो दैट्स अ फंक्शनल थ्योरी ठीक है यह आपको एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आपको अंडरलाइन किया गया हुआ है

कि मिनिमम uh, स्टैंडर्ड जो वेलफेयर नेसरी होती है लेबर के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड होती है वेलफेयर की वो देनी तो ज़रूरत होती है बट अगर कोई कंपलसन ना हो है ना कोई ऐसा रूल्स ना हो डर ना हो तो एम्प्लॉयर जो है वो भी देने को तैयार नहीं होते हैं ठीक है तो वो क्यों नहीं देने को तैयार होते हैं कि वो अपने दूसरे के कॉस्ट पर अपना फ़ायदा वो करते हैं है ना सो so, स्वार्थी होते हैं सो दैट्स अ पुलिस थ्योरी सो द आंसर इज पुलिस थ्योरी ये इन्फोर्समेंट uh, ऑफिसर के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है या आपको मैन इज अ सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर्स अब ये 2012 की ए के क्वेश्चन है उसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज करेंटली मोर इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस दैन द पावर प्ले बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ आज के समय में है ना क्या हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो इंडस्ट्रियल रिलेशन पहले क्या है ये आप समझिए जो इम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशन होती है दैट्स अ इंडस्ट्रियल रिलेशन ठीक है अब इंडस्ट्रियल आज के समय में ये ज़्यादा वर्तमान में क्या है करंटली मोर इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस ये एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस से ज़्यादा ही होता है रैदर देन पहले क्या होता था कि एम्प्लॉ और एम्प्लॉयर के बीच में होते थे नंबर लोग कम होते थे ठीक है ना तो लोग कम होते थे तो क्या हो गया इंडस्ट्री रिलेशन में कि जैसे मान लेते हैं कि अगर एक ही इंडस्ट्री किसी चीज़ की है तो वहाँ पर इम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर होंगे ठीक है ना तो वो कुछ भी डिमांड करेंगे तो आप फॉलो मान लेते हैं कि अगर अब क्या है कि इनको क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर नहीं मांगे अब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई अगर इम्प्लॉयर ये नहीं मानेगा कुछ भी अगर किसी लेबर की बात नहीं मानेगा तो ऐसा हो सकता है उसका काम रुकेगा और कोई दूसरा मार्केट पकड़ लेगा सो so, अभी जो है वो सिर्फ इसे ही मैटर नहीं करता है कि इम्प्लॉई और एम्प्लॉई का रिलेशन uh, कैसा है एक्सटर्नल मार्केट फोर्स भी है और उस डर से और जो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर है वो इम्प्लॉके के साथ रिलेशन सही रखना चाहते हो ये सही है और ये क्यों हुआ है द फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव मेड कंपटीशन सो इम्परेटिव दैट यूनियंस एंड देयर प्रैक्टिस लाइक स्टॉपिंग प्रोडक्टिविटी नो मोर होल्ड गुड अगर मान लेते हैं कि पहले क्या होता था कि हम प्रोडक्टिविटी रोक देंगे रोक देंगे अब क्या हुआ कि अगर प्रोडक्टिविटी रोक देंगे रोक देंगे तो उससे कुछ होगा नहीं बाहर से या कोई और ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा सारी कंट्री सारी कंपनियां आ, आ गई हैं बहुत सारी ऑप्शन हो गए हैं तो उससे जो पहले जो टैक्टिक्स यूज़ करते थे यूनियन अपनी बात को मनवाने के लिए क्या करते थे कि प्रोडक्शन रोक देते थे ठीक है अब अगर ऐसा करेंगे तो बाहर से वो सामान आ सकती है तो ये जो है सो ये दोनों आपको सही है ठीक है अगला क्वेश्चन है वॉट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन अब लॉजिक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है है ना वो लॉजिक एक्शन फ्रेमवर्क बनाई गई थी वो कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है एम्प्लॉयमेंट रिलेशन पे है ना कि ग्लोबलाइजेशन से अब तो मार्केट खुल गई है तो अब तो एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन क्या है तो इसमें तीन लॉजिक दी गई थी एक लॉजिक ऑफ कम्पटिशन है कम्पटिशन बढ़ी है इंडस्ट्रियल पीस है न और इम्प्लॉयमेंट इनकम प्रोटेक्शन लॉजिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये तीन जो है आर्गोमेंट जो है सो so इसमें आए हैं डिफरेंट लॉजिक ऑफ एक्शन ठीक है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अगर ठीक है ना टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट रिलेशन पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा है तो उसमें आर्गुमेंट में तीन लॉजिक है है ना द लॉजिक ऑफ कम्पटीशन द लॉजिक ऑफ इंडस्ट्रियल पीस द लॉजिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम प्रोटेक्शन है ना इससे आपको डिटर्मिन होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की रिलेशन क्या है कितनी कंपटिशन मार्केट है है ना अगर ज़्यादा कंपिटिशन होगा तो हर बात मानेगा क्योंकि अगर आप बंद कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा मार्केट में है ना इसी तरह इंडस्ट्रियल पीस एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम प्रोटेक्शन है ना सो so, uh, ये हो गया नॉट लॉजिक है तो द लॉजिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये आपको एक्सप्लानशन की गई है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्स्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेस्ड ऑन द एजसन दैट बोथ द पार्टीज स्ट्राइव एंड हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक वेजेज एंड बेनिफिट एज वेल एज पॉलिटिकल पावर देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन के कितने परस्पेक्टिव हैं तो तीन पॉपुलर जो है सो पर्सपेक्टिव हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के वन इज़ द दुलरिस्टिक पर्सपेक्टिव ठीक है वन इज यूनिटरी पर्सपेक्टिव और वन इज अ रेडिकल या इसको हम लोग मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं मार्क्सिस्ट ठीक है तो ये हम बोलते हैं तो ट्रस्टी पर्सपेक्टिव तो करके कुछ है ही नहीं है ना तो तीन है हमारा लेबर uh, इंडस्ट्रियल रिलेशन का पॉपुलर uh, पर्सपेक्टिव्स है ना तो वन इज द इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये यूनिटरी uh, अप्रोच प्लोरिस्टिक अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच या उसको रेडिकल अप्रोच भी बोलते हैं अब यूनिटरी प्लोरिस्टिक अप्रोच में क्या बोलते हैं वो पहले हम लोग देखते हैं पुलोरिस्टी में है कि देर इज मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर इन द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स और बिजनेस लीडर वर्कर्स और बिजनेस के बीच में बहुत सारे सोर्स ऑफ पावर है दैट्स अ प्लोरिस्टिक अप्रोच ठीक है बहुवादी परिप्रेक्ष्य यूनिटरी होता है कि ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब मैनेजमेंट है ना वो पूरी डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल करता है ठीक है जो निगोशिएटिंग वार्डिंग करेंगे वो सब वनली वन पर्सन करेंगे वनली वन होगा तो यूनिटरी पर्सपेक्टिव हो गया रेडिकल मार्क्सिस्ट जो अप्रोच होता है या पर्सपेक्टिव वो कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिर्फ प्रॉफिट पे मेजर करता प्रॉफिट पे मैटर करता है ठीक है तो जितनी भी रिलेशन है वो प्रॉफिट पे अगर प्रॉफिट अच्छी है तो रिलेशन अच्छी है ये ऐसा बोलता है मार्क्सिस्ट अप्रोच ठीक है अब इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है हमारा अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑन द एजसन डाटा बोथ द पार्टीज स्ट्राइव टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर दोनों पार्टी मतलब कि तो ये हो गया एक ही नहीं है है ना सो मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर हो गया तो मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर हो गया तो पोलिस्टिक अप्रोच हो गया सिंपल सा क्वेश्चन है है ना ये आपको एक्सप्लानशन है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेमेंट्स अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन इज नॉट करेक्ट कौन सा इंडस्ट्रियल रेशन के में नहीं सही है और अगेन आई एम सेंग दैट द थ्री मेजर पर्स्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन यूनिटरी प्लिस्टिक और परस्पेक्टिव एंड मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव अब मार्क्सिस्ट को हम लोग रेडकल ही बोलते हैं अब इसमें है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन हैव टू बी मैनेज इन द इंटरेस्ट ऑफ मेटेनिंग ए वायबल कोलेबरेटिव स्ट्रक्चर ये बोल रहा है कि जो औद्योगिक संबंध है है ना उसमें सहयोगात्मक है ना है ना कोलेबोरेटिव संरचना बनाए रखने के हित में प्रबंधित किया जाना होता है बिल्कुल सही है अगर आपको रिलेशन कोलेबरेटिव ही होना चाहिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर के बीच में फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स बाय कॉन्सेंस एंड देर इम्प्लीमेंटेशन आर कोर टू इंडस्ट्रियल रिलेशन जो भी कोई रूल्स बना रहे हैं है ना कोई भी नई रूल्स बना रहे हैं तो कंसेंसस से होनी चाहिए कॉन्सेंसन मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के कंसेंसस से होनी चाहिए द रेडिकलिस्ट कंसिडर रिलेशन इज अ इन अ डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस बिल्कुल ये जो सोचते हैं कि जब सब कुछ है वो प्रॉफिट पे ही है है ना द पोलिस्टिक फ्रेमवर्क लुक्स एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम अ डिसइंटीग्रेटिव नहीं पोलिस्टिक सोचता है अब इसमें सोच लीजिए पोलिस्टिक अपना पर्स्पेक्टिव क्या कहता है कि भाई जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में एम्प्लॉ के भी लोग होंगे एम्प्लॉयर के भी लोग होंगे मतलब कि सोर्स ऑफ पावर ज़्यादा होंगे ठीक है तो इसमें अगर सोर्स ऑफ पावर जाएगा तो ये इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव हो गया है ना नॉट अ डिस इंटीग्रिटी पर नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो सी इज द आंसर आसान सा क्वेश्चन है और ये एक्सप्लानशन है अगला क्वेश्चन है कि वट इज द वाइल्ड कैट स्ट्राइक ना वाइल्ड कैट स्ट्राइक जो होता है जैसे मान लीजिए आप कि मान लीजिए कि आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो वहाँ पे यूनियन भी है बट आपने क्या किया कुछ ग्रुप ऑफ कुछ पीपल क्या किए जा करके स्ट्राइक कर दिए ना ही आपने किसी को बताया ना ही इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री को भी बताया इस्टेब्लिशमेंट को बताया ना ही आपने अप्रूवल लिया यूनियन से है ना सो so, इसको अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल भी बोल स्ट्राइक भी बोलते हैं ऑप्शन मिलते हैं वाइल्ड टेक वाइल्ड कैट स्ट्राइक होता है स्ट्राइक कॉल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कर ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट विदाउट एनी फॉर्मल नोटिस टू द एम्प्लॉयर ना ही एम्प्लॉयर को बताता है और ना ही यूनियन से कॉन्सेंट लेता है कुछ लोग मिल करके जा करके स्ट्राइक कर देते हैं सो दैट्स अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक आसान सा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योडिसनल स्ट्राइक अब मान लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन uh, में एक से ज़्यादा यूनियन है ठीक है तो जोडिक्शन उसके अलग अलग हैं अब मान लेते एक से ज़्यादा यूनियन है तो दो यूनियन अगर मान लेते हैं है ना अब मान लें कि दोनों दो अब ये कुछ और मांग रहा है यूनियन वन का डिमांड कुछ और है या यूनियन टू कुछ और चाहता है है ना तो अब ये दोनों लड़ाई करके है ना कि या हमारा पावर क्या है और तुम्हारा पावर क्या है इस बेसिस पे लड़ाई करके अगर वो स्ट्राइक करता है दैट्स अ जोडिक्शन स्ट्राइक मतलब टू यूनियन मेक क्लेम टू रिप्रेजेंट द सेम सेट ऑफ वर्कर्स और किसके कौन मेंबर हैं ये सब करने के लिए स्ट्राइक करते हैं किसकी जोडिक्सन में आता है, है तुम्हारा तो पावर क्या है हमारा पावर क्या है so, आसान सा क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन है येलो डॉग कॉन्टेक्ट अब येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे मान लेते हैं कि इंप्लॉय जब आप कहीं नौकरी करने जाओगे तो एम्प्लॉयर पहले ही आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देगा बोलेगा कि देखो ये आपका कंडीशन है अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप किसी भी यूनियन में ज्वाइन नहीं करोगे जब तक आप यहाँ पर इम्प्लॉय रहोगे तो ये होता है येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट सो वैन मैनेजमेंट सेक्यूर्स एंड एग्रीमेंट फ्रॉम द वर्कमैन दैट ही विल नॉट ज्वाइन अ यूनियन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट पूरी एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो किसी भी यूनियन में ज्वाइन नहीं करेगा ये अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो उसको बोलते हैं येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ये एक्सप्लानेशन है अगला क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन एज ए मेथड ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाज स्ट्रांगली फेवर्ड बाई अब इसमें यू ने जो आंसर दी है वो महात्मा गांधी ठीक है ना सो so, महात्मा गांधी का भी था एडवोकेट वो करते थे कि वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन होना चाहिए मतलब दोनों एक दूसरे से बैठ करके आराम से इंडस्ट्री कोई भी डिस्प्यूट को सेटल करे ना कि कोर्ट में जाए तो ये वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन की बात करते थे महात्मा गांधी बट गिरी अप्रोच जो है ठीक है ना सेम क्वेश्चन यूपीएससी जब पूछा था तो गिरी अप्रोच तो उसमें यह था कि वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन कौन का कॉन्सेप्ट गिरी अप्रोच क्या है तो उसमें है आंसर कि वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन तो आप इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं बट यूपीएससी ने महात्मा गांधी इसका ऑप्शन दिया है सो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन का जो है सो so अगर आपके पास महात्मा गांधी ऑप्शन में हो तो आप महात्मा गांधी करें और वैसे अगर हो तो वी, -वी गिरी आप कर सकते हो ठीक है ठीक है यह है अगला क्वेश्चन है इन in इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रिवेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुटकेशन इन डिस्ट्रिल अब होती है adjudication मतलब कि एक लीगल प्रोसेस है जो कोर्ट में होती है वहाँ पे जो जज हैं एक जज या जज के पैनल बैठते हैं और वो जो एविडेंस आप दोगे उस पर जज डिसीजन लेता है ठीक है यही होता है सो so, अगर तो आपकी ये क्या कंपलसरी है कि आपको कोर्ट जाना है क्या सो दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी ना ही वॉलेंट्री है ये डिस्किसन रही आपका मन है तो आप कोर्ट जाओ है ना लेकिन अगर आप कोर्ट चले गए एडजुडिकेशन प्रोसेस में चले गए तो आपको जो भी अवार्ड मिलेगा अवार्ड मतलब कि जो भी डिसीजन होगा है ना जो फैसला होगा उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा पहली बात तो है कि जाने की कोई कंपलसरी uh, नहीं है बट आप अगर चले जाते हो है ना तो डिस्क्रिशनरी है आपको मन है तो आप जाओ कोर्ट में नहीं तो ना नहीं जाओ लेकिन अगर चले गए तो आपको एक्सेप्ट करना ही है सो दैट्स द डिस्क्रिशनरी रेफरेंस एंड कंपलसरी एक्सेप्टेंस ऑफ द अवार्ड ओके एक्सप्लानीशन है अगला क्वेश्चन है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वाज क्रिएटेड पर्टिकुलरली टू फोकस ऑन सोशल एंड लेबर इश्यूज इराइजिंग आउट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन नाइनटीन आइनटी नाइनटी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आती है ग्लोबलाइजेशन लेबलाइजेशन है ना और प्राइवेटाइजेशन तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है कि भाई एम्प्लॉई लेबर की भी कंडीशन ख़राब होगी कि बाहर के लोग आएंगे है ना तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी दैट्स अ कमेटी इज अ स्पेशल ट्राइपराइट कमेटी है ना ये बनाई गई थी किसने बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने और ये बनाया था कब नाइनटीन नाइनटीन नाइन को बारह नवंबर को है ना ट्वेल्व नवंबर को बनाया था कि जो इंडस्ट्री नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं उसमें उस इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या लेबर पे है ना इम्पैक्ट पड़ेगा सो दैट्स अ स्पेशल ट्रिपेराइट कमेटी ओके अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर बहुत सारे रिकमेंडेशन है इसकी उतनी आप पढ़ नहीं सकते हो बट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग बनाते हैं ठीक है ना लेबर मैनेजमेंट रिलेशन लॉ द रिलेवेंट लॉज भी इनेक्टेड ये इन्होंने कहा था कि एक लेबर रिलेशन कमीशन बनाओ है ना जो एडजुडिकेशन या आर्बिट्रेशन सर्विस देगा जो डिस्प्यूट की पार्टी होगी मतलब इम्प्लॉयी जिसके बीच में डिस्प्यूट होगा उसका एडजुडिकेशन या आर्बिट्रेशन मतलब कि समझौता करेगा या उसको आ, क्या कहते हैं उसको आ, फैसला देगा तो उससे क्या होगा हेल्थी इंडस्ट्री रिलेशन होगा कोर्ट वोट जाना ज़्यादा नहीं पड़ेगा गो स्लो एंड वर्क टू रूल बी रिगार्डेड एज मिसकंडक्ट इसमें ये बोला था कि बिल्कुल कि गो स्लो भी गो स्लो इज़ ए स्ट्राइक एंड वर्क टू रूल भी स्ट्राइक है वो एक मिसकंडक्ट है तो अब गो स्लो क्या होता है ये आप समझो जैसे मान लेते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपने क्या किया आपने क्या किया कि प्रोडक्शन को धीमा कर दिया तो ये भी एक तरह का स्ट्राइक है वर्क टू रूल क्या होता है जैसे मान लेते हैं कि आपकी किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो तो आपको है कि साठ परसेंट करनी है मिनिमम uh, आपको सिक्सटी परसेंट करने हैं मैक्सिमम आप जितना करेंगे तो आप लोग क्या करोगे सारे लोग क्या करोगे कि मिनिमम जितना ज़रूरत है उस जॉब के लिए उतना हम करेंगे उससे नहीं होगा तो दैट्स अ वर्क फॉर वर्क टू रूल ये भी एक तरह से स्ट्राइक है नाउ स्ट्राइक वैलेट फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस स्ट्राइक वैलेट क्या होता है कि इलेक्शन है ना तो अगर कोई जो सोशल इसेंशियल सर्विस है जैसे वाटर सप्लाई है वाटर सप्लाई मिल नहीं रही है है ना इस टाइप से अगर कुछ है तो उसमें क्या कहता है कि आप इसका एक्शन करवा दो अगर इक्यावन पचास परसेंट से ज़्यादा फिफ्टी वन परसेंट वर्कर बोल रहा है कि स्ट्राइक करना है क्योंकि पानी आ नहीं रही है सेंसल सर्विस हमको नहीं मिल रही है तो उसको आपको स्ट्राइक कर, कर हो सकता है है ना और अगर ऐसा नहीं होता है ठीक है तो फिर स्ट्राइक नहीं होगी इक्यावन तो परसेंट तो वोटिंग हो गया जैसे लोग कुछ बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं तो उस केस में इसके बाद क्या है ऑल द थ्री मेटर्स ऑफ यूनियन रिकोगनाइजेशन नेमली मेम्बरशिप वेरिफिकेशन सीक्रेट बैलेट एंड चेक ऑफ बी द बेसिस ऑफ चूजिंग ए बार्गेनिंग एजेंट नहीं बार्गेनिंग एजेंट को चूज करने के लिए नहीं होता है ये जो है यूनियन के स्ट्रेंथ को कि जो यूनियन है अरे उसको पावर भी कुछ है कि नहीं है ना यूनियन को पावर भी कुछ है या नहीं है तो उसमें क्या करते हैं आप देख चेक कर लेते हैं कि मेम्बरशिप है ना कि यूनियन में यूनियन की मेम्बरशिप क्या है फिर चेकऑफ़ सिस्टम होते हैं या इलेक्शन आप करवा लो है ना गुप्त मतदान सेक्रेट वैलेट से इलेक्शन करवा दो या मेंबरशिप का कर वेरिफिकेशन करा लो कि है यूनियन में मेंबरशिप भी है कि नहीं या चेक ऑफ होता है चेक ऑफ सिस्टम क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो पैसे कट कर, कट करते हैं तो उससे उनको पता चलता है कि इसमें कितने लोग हैं ठीक है ना अगर मान लेते हैं कि आपको यूनियन है उस उसमें दस लोग ही पैसे कटवा रहे हैं तो ये चेक ऑफ सिस्टम हो जाता है कि कुछ पोर्सन एम्प्लॉई का वेज का, का यूनियन के फ़ी के रूप में वो एम्प्लॉयर काटता है तो उससे उसको पता चलता है कि हाँ ये यूनियन एग्जिस्ट करता है और इसमें इतने मेम्बर हैं सो so, ये तीनों है लेकिन बार्गेनिंग एजेंट का नहीं है ये है यूनियन के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए तो आंसर क्या हो गया डी और भी बहुत सारी रिकमेंडेशन है सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर का बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट उतना पढ़ के कोई फायदा है नहीं सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अब आउट प्लेसमेंट क्या है तो आउट प्लेसमेंट या बाह्य स्थाना हिंदी में है ना तो आउट प्लेसमेंट क्या होता है सो so, आउट प्लेसमेंट होता है जैसे मान लेते हैं कि, कि किसी इंप्लॉई को आप निकाल रहे हो आपके पास पैसे नहीं है या आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आप उसको टर्मिनेट कर रहे हो डिपार्ट कर रहे हो अपनी सर्विस से लेकिन आप क्या करोगे उसको है ना उसको हेल्प करोगे कि भाई ठीक है मैं तो निकाल रहा हूँ लेकिन हमारे जान पहचान में कोई कंपनी है या इस डिपार्टमेंट से निकाले ले लेकिन उसमें है तो आपको हम मतलब उसको जॉब ढूंढने में मदद करना ठीक है सो हेल्पिंग रिडेंडेंट एम्प्लॉई टू फाइंड न्यू जॉब या कोई रिडेंडेंट एम्प्लॉई जिसका कोई काम नहीं है तो उसको फिर क्या करोगे कि भाई ठीक है आपको अब मैंने ले तो लिया है अब रिडेंडेंट हो तो आपको कोई और जॉब दे देता हूँ तब तक ट्स अब आउट प्लेसमेंट ठीक है अगला क्वेश्चन है इफ़ एन एग्रीव्ड एम्प्लॉई इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग ऑफ द इंक्वायरी ही मे आस्क फॉर अगर मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉई है है ना जिसको प्रॉब्लम है एग्रीव्ड मतलब व्यथित कर्मचारी अब ये जो जांच हो रही है उसकी कार्यवाही जो है उसकी प्रोसीडिंग है उससे उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो क्या कर सकता है एक्स पार्टी इंक्वायरी डी नोवो इंक्वायरी लीगल इंक्वायरी और डोमेस्टिक इंक्वायरी ना आपको अभी पता होना चाहिए कि डी नो डी नोवो इंक्वायरी क्या होता है ठीक है ना डी नोवो इंक्वायरी क्या होता है कि जो एग्रीव्ड एम्प्लॉई है वो बोलेगा कि देखिए हम जो प्रोसीडिंग है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है तो आप डी नोवो इंक्वायरी कीजिए मतलब फिर फ्रेश से इंक्वायरी नया इंक्वायरी है ना न्यू और फ्रेश इंक्वायरी कीजिए ठीक है और उसमें क्या होगा जो ऑथोरिटी होगा वो पहले क्या इंक्वायरी हुआ था उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा नया से फिर से वो करेगा दैट्स अ डी नोवो इंक्वायरी एक्स पार्टी क्या होता है जैसे एक्स पार्टी में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि एक आ, कोई पार्टी है वो बोल रहा है कि आ, हमें जो है सो प्रोसीडिंग होनी चाहिए और वो रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन दूसरा पार्टी या तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बोला कि नहीं मुझे केस नहीं लड़ना है ठीक है ना और दोनों उस पार्टी को सिर्फ एक पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हम इसमें प्रोसीडिंग करवाएं इंक्वायरी करवाएं इस चीज़ का तो ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट उसके नॉलेज के सेकेंड पार्टी के जिसपे इंक्वायरी चल रही है या उसके बिना पार्टिसिपेशन के अगर वो इंक्वायरी होती है तो उसको एक्सपार्टे बोलते हैं बट इसको जनरली एक्सपार्टे को अनफेयर बोलते हैं अनफेयर इसलिए बोलते हैं कि दूसरे पार्टी का पार्टिसिपेशन नहीं है ठीक है ना बट ये भी है एक्सपार्टे इंक्वायरी सो इफ एन एग्री एम्प्लॉय नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग ऑफ इंक्वायरी ही मे आस्ट फॉर डी नोवो इंक्वायरी फिर से नया से इंक्वायरी करने का सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अगला क्वेश्चन है ऑडी अल्टरम पार्टेम है ना ऑडी अल्टरम पार्टम ये इसका मतलब होता है दूसरे पक्ष को भी सुनो तो दूसरे पक्ष की भी सुनो कब होगा अनुशासनिक कार्रवाई में तो कभी कभी हिंदी भी आपको काम कर जाता है ठीक है सो डिसिप्लिनरी एक्शन दो जो हिंदी जानते हैं जिनको हिंदी आता है तो बहुत बार हिंदी भी आपको काम कर जाता है ऑडी है ना? आल्ट्रम पार्टम इज एसोसिएटेड विद द डिसिप्लिनरी एक्शन ये लैटिन फेज है जिसका मीनिंग होता है लिसन टू द अदर साइड मतलब दूसरे पक्ष की भी सुनो है ना या लेट द अदर्स मतलब कि आप सिर्फ नहीं कि एक ही पक्ष का सुन करके आपने फैसला दे दिया है ना सो नो पर्सन शुड बी जज विदाउट अ फेयर हियरिंग इन विच ईच पार्टी इज गिवेन द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पोंड टू द एविडेंस अगेंस्ट देम जो भी एविडेंस है उसमें दोनों पार्टी का सुनने का कंपल्सरी है है ना डिसिप्लिन रिएक्शन ओके ये एक्सप्लानेशन है अगला क्वेश्चन है कि द दैक्स फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन द इधर पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि सौ में पहली फैक्ट्रीज एक्ट आई थी लॉर्ड रिपेन के वायसराय थे उस समय कौन थे लॉर्ड रिपन्स क्लियर ये एक्सप्लेनेशन है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर सी आई इज नॉट ट्रू सही नहीं है है ना तो काउंसिल ऑफ जो आ, इंडियन एम्प्लॉयर है ये एक सुपर स्ट्रक्चर बनाई गई थी काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स सी आई ई ये हुई बनाई गई गई थी 1956 में उससे पहले एक था एम्प्लॉज फेडरेशन ऑफ इंडिया 1933 में बना था एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया और एक था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ एम्प्लॉज है ना उसको दोनों को मिला करके ये बनाया गया था काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ ठीक है इंडियन एम्प्लॉयज़ का एक काउंसिल बनाया गया था अब क्या है दोनों ये नेशनल लेवल एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन थे दोनों को एक जगह पे ले आकर के काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ बनाया गया था तो दोनों सही है द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक इंटरप्राइज हैज़ नॉट ज्वाइन द सी आई नहीं ये गलत है क्योंकि ये 1973 में 1973 में ये ज्वाइन किया मतलब इनिशियली जब 1956 में बना था तो ए ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया ये दोनों बस मर्ज होकर के काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर बना था लास्ट में ये 1973 में स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्कोप है ना ये भी ज्वाइन कर लिया था सी आई में सी में ठीक है द ए आई ओ एंड ई एफ आई स्टिल रिमेन देयर आइडेंटिटी सेंडिंग इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू द सी आई बिल्कुल ये सही है सो so, नॉट कौन सा है सो so, दोनों अभी भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सी आई में भेजते हैं सो द आंसर इज सी ठीक है इनकी काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज का काम क्या था कि जो टूप कौपर, क्लोजर कॉपरेशन कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू बॉडीज है ना अब स्कोप का, का काम क्या था जो ई आई ओ ए आई ओ ई है और ई एफ आई है स्कोप का काम क्या था लुक्स अपॉन है ना इंटरनल और एक्सटर्नल पब्लिक सेक्टर के अंडर में जो टास्क हो रहे हैं उसके उसको देखना ठीक है तो ये एम्प्लॉयर्स के ही थे ये एक्सप्लानीशन है अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कमीशन है ना अब फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब आया था ये 1966 1969 में आया था ये हम लोगों ने बात की थी कितनी बार 1969 में इसके बाद लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी कब आई थी ये 1944 में आया था और रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो आया था वो 1929 में आया था है ना ये वाइटली कमीशन भी इसको बोलते हैं वाइटली कमीशन ठीक है और uh, इसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इंड ऑर्गे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये 2004 में आया था तो सबसे पहले हो गए रॉयल कमीशन ऑन लेबर ठीक है उसके बाद हो गए हैं लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी और ये नाइन्टीन में बनी थी और 69 में रिपोर्ट दी थी तो ये थर्ड नंबर पे दो हजार चार वाला फोर्थ नंबर थ्री टू वन फोर इज द आंसर ये क्रोनोलॉजी पूछ रहा था ये एक्सप्लेनेशन है अगला क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर वेल लेबर वेलफेयर का फैमिली प्लानिंग इंटरनल इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया था एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रेजोल्यूशन पास इन द ईयर नाइनटीन फोर्टी सेवन में आई एक रेजोल्यूशन पास करती है कि जो फैमिली प्लानिंग है वो भी लेबर वेलफेयर का ही पार्ट है मतलब अगर आप लेबर का फैमिली प्लानिंग का कुछ कर रहे हो तो वो भी वेलफेयर का ही पार्ट है दीज आर द एक्सप्लानेशन अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू वेलफेयर सर्विसेज अंडरटेकन बाई ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉमर्शियल एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन अब इसमें से कौन सा वेलफेयर सर्विस का करेक्ट अप्रोच नहीं है ठीक है पहला है एज वेलफेयर इज प्रोवाइडेड बाई द स्टेट टू ऑल हिन्स डुप्लीकेशन बाई अदर ऑर्गेनाइजेशन इज अनडिजायरेबल मतलब कि बोल रहा है कि राज्य के द्वारा सभी को वेलफेयर मिल रही है तो जो संगठन है वो उसको कुछ नहीं करना चाहिए ये गलत बात है है ना ठीक है ना जो वेलफेयर ये कॉमर्शियल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है कि वेलफेयर ई प्रोवाइड वे द स्टेट टू ऑल सबको अगर वेलफेयर मिल रही है स्टेट के द्वारा तो ऑर्गेनाइजेशन और, को कुछ नहीं करना चाहिए तो पहला ही हमारा गलत हो गया सो हमारा वन आंसर हो जाएगा दूसरा पढ़ते हैं कि वेलफेयर सर्विस में भी प्रोवाइडेड फॉर मैटर कंसर्निंग एम्प्लॉज विच मे नॉट बी इमीडिएटली कनेक्टेड विद देयर जॉब्स दो कनेक्टेड विद देयर प्लेस ऑफ वर्क प्लेस ऑफ वर्क से भी कनेक्टेड हैं ठीक है, है ना जैसे मान लेते हैं कि अगर तो उसको भी वेलफेयर जैसे मान लेते हैं कि कोई फैक्ट्री है आप फैक्ट्री में जॉब नहीं करते हो तो उसके आस पास में है ठीक है तो उससे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो उसको भी उसकी प्रॉब्लम के लिए जैसे कि आसपास के लोगों के लिए कुछ आपको सेटिंग अरेंजमेंट के लिए या वाटर की व्यवस्था आपने कर दिया तो वो भी वेलफेयर मेजर में आता है वेलफेयर सर्विसेज विल इंक्लूड स्पेशल सर्विसेज फॉर रिटायर रिटायर एम्प्लॉय के लिए अगर आप कुछ सर्विस देते हो है ना तो वो भी वेलफेयर में आएगा चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ में भी प्रोवाइडेड ऑन कलेक्टिव चाइल्ड केयर फैसिलिटी अगर आप दे रहे हो तो वो भी वेलफेयर में आएगा तो सिर्फ एक ऐसा है जो नहीं होगा कि अगर स्टेट दे रही तो आप कुछ नहीं दो मतलब स्टेट अगर आपको दे रही है खाने के लिए तो दैट डजेंट मीन किया आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ पर आपको खाने को नहीं मिलेगा ठीक है सो वन वनली अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लेबर लॉ इन इंडिया तो अब ये आपको इसलिए पता होना चाहिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया था कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट आया था 1970 में ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1926 में और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट आई थी 1923 में तो सबसे पहले कौन सा आया था फैक्ट्रीज एक्ट एंड सबसे पहले कौन सा आया था कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट नाइनटीन ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन फैक्ट्री एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट अब इट डिपेंड्स ऑन द कि फैक्ट्री एक्ट किसकी बात कर रहा है एक फैक्ट्री एक्ट नाइनटीन फोटी एट में आया था वैसे अठारह सौ इक्यासी में भी आया था तो इट डिपेंड्स ऑन द कि अगर फैक्ट्री एटीन एटी वन की बात करेंगे तो ये सही होगा और अगर नाइन्टीन फोर्टी एट वाले की बात करेंगे है ना तो हमारा ये सही होगा तो इसमें कन्फ्यूजन है तो आप दोनों याद रखिए ठीक है ना यू पी एस सी ने फैक्ट्री एक्ट एटीन एटी वन को कंसिडर किया था ठीक है अगला क्वेश्चन है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर वन हंड्रेड टू ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी वाज एडोप्ट किस साल में ये अडॉप्ट किया गया था कि सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम मानक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी ये आपको 1952 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 28 जून उन्नीस को जिन उन वो अपने उन्होंने अपनी थर्टी फिफ्थ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में ये माना था कि सोशल सिक्योरिटी के मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ठीक है ना और ये बेसिक सोशल सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल है और इट इज़ द वनली इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है ना 102 हंड्रेड टू का जो कॉन्फ्रेंस का है वो है किस पे बेसिक सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल है ना कि मिनिमम स्टैंडर्ड सोशल सिक्योरिटी के क्या होने चाहिए है ना तो ये 1952 में आया था आप इतना याद रखिए दिस इज द एक्सप्लानशन अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट एज पर द आई कॉन्स्टिट्यूशन अब आई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट एट वर्क फाइव पाँच है ठीक है अब पाँच कौन कौन है आप देख लीजिए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द इफेक्टिव रिकोगनीशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव वार्गिंग मतलब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और ये आपको पाँचों याद रखना है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बना सकते हैं एंड द इफेक्टिव रिकोगशन ऑफ द कलेक्टिव बारगेनिंग भी हो सकती है ठीक है द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स टू कंपल्सरी लेबर ठीक है तो क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ फोर्स लेबर या कंपलसरी लेबर को हर तरह के उसको हटाना है द इफेक्टिव एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर को भी हटाना है द एलिमिनेशन ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑकुपेशन एम्प्लॉयमेंट के आधार पे या ऑकुपेशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और सेफ़ एंड हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट होनी चाहिए ये पांच चीज़ जो है वो आई एल ओ के डिकलेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क पे है सो फोर्स लेबर ये है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ठीक है इफेक्टिव एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर है effective ये नहीं है प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं है सो आंसर इज वन टू एंड थ्री ठीक है ये आसान सा क्वेश्चन है अगर आपको ये पाँचों पता होता तो आप बना सकते तो आप ये याद रखेंगे अगला क्वेश्चन है हु एमोंग फॉलोइंग यूज द फेज कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ वॉट इज कॉलेक्टिव बार्गेनिंग ये ये एक निगोशिएशन है निगोशिएशन क्या है कि कुछ एम्प्लॉयर के लोग बैठेंगे कुछ एम्प्लॉई के लोग बैठेंगे और दोनों जैसे कि वर्किंग कोई कंडीशन में प्रॉब्लम है वाटर दिक्कत हो रही है या कुछ ऐसा बेनिफिट है जो सब वर्कर को जरूरत है है ना एसी नहीं चल रही है या कुछ कुछ और भी है छोटी छोटी प्रॉब्लम तो दोनों क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग या निगोशिएशन बोलते हैं कि इम्प्लॉयी एम्प्लॉय साथ में बैठ करके अपना उसको सॉल्व कर लेते हैं है ना कोर्ट के इसमें नहीं करते हैं तो ये सबसे पहले जो कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म ये यूज किया गया था वो अट्ठारह में किया गया था वो कौन था बेटराइस बेट्रिस है ना वेब बेट्रिस वेव थे है ना सिडनी एंड वेटरिस वेब इन्होंने किया था ही इज द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन ब्रिटेन ब्रिटेन रिलेशन में है ना इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक फील्ड बनाया था ठीक है यह आपका एक्सप्लेनेशन है अगला क्वेश्चन है हु एमोंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ बेजेस है बार्गेनिंग थ्योरी क्या कहता है कि वेज की जो डिटर्मिनेश होगा वो बहुत सारी चीज़ें की इन्फ्लुएंस होती बहुत सारी चीज़ें महंगाई है आप जो बात करते हो कहाँ पे रह रहे हो तो ये सब जितनी भी वेग बार्गेन होनी चाहिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बैठ करके इसको क्या करना चाहिए बैठ करके उसको बार्गेन करना चाहिए कि भाई वो बोलेंगे इतना देंगे हम देंगे बोलेंगे इतना ऐसे करके सो बार्गेन थ्योरी ऑफ बेच जो है वो अट्ठारह में ये जॉन डेविडसन ने ये डेवलप की थी कॉन्सेप्ट ठीक है ना ये एक्सप्लानीशन है इसमें आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी अगला क्वेश्चन है राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन इंप्लाई एम्प्लॉयर्स एंड वर्किंग इन इंडिया इज अब कलेक्टिव बार्गेनिंग है मान लो कि निगोशिएशन करनी है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में किसी भी वर्किंग कंडीशन को लेकर के या सैलरीज वगैरह को लेकर के तो बैठ रहे हो तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है बिल्कुल संविधान में ऐसा कुछ नहीं है वॉल्ट्री है ऑब्लीगेटरी है करना ही है ऐसा भी नहीं है फंडामेंटल राइट right है नहीं ये वॉलेंट्री है आपकी इच्छा है तो आप जा कर बैठ करके कर सकते हो नहीं तो कोर्ट में आप जा सकते हो कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है कि करना ही है अनिवार्य नहीं है कोई संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है और फंडामेंटल राइट right भी नहीं है ठीक है ये एक्सप्लानीशन है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड ए प्रिकर्सर ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया अब ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑफ इंडिया के इससे पहले कौन सा था है ना अब आप प्रिकर्सर में बात करते हैं सो so, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो बनी थी वो कब बनी थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेयर जो बने बनाया था है ना वो बनाया था 1918 में बनी थी ठीक है नाइनटीन एटीन में बनी थी और इसमें महात्मा गांधी भी थे है ना महात्मा गांधी भी थे इसमें और उसके साथ में अनसुया साराबाई और शंकर लाल बैंकर भी थे और इन सब ने मिलकर के अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाई थी मद्रास लेबर यूनियन जो है वो 1918 में ही बना था 13 अप्रैल 1918 को बीपी वाडिया के द्वारा बीपी वाडिया इसके बाद बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो था वो अठारह सौ नब्बे में था मतलब उस समय से ही सबसे पहले जो था है ना है ना तो 1890 सौ नब्बे में था ये कौन था लोखांडे नारायण मेघाजी है ना लोखांडे ये बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन अठारह सौ नब्बे में बनाया था सबसे पहले इसके बाद काम कामगार हितवर्धक सभा सो so, कामगार हितवर्धक या वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी वर्कर वेलफेयर सोसाइटी ये जो फॉर्म हुआ था 1909 में हुआ था एन ए टचेरकर एस के बोले बी आर नेर और एस एस डब्ल्यू पाटिल और ये बाकी सब मिलकर के कामगार हितवर्धक सभा अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से, कि से किस एक को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का पूर्वगामी मतलब सबसे पहले स्टार्टर प्रिकर्सर है मतलब कि तो आप इसमें देख लो सबसे जो पहले कौन सा है अठारह तो उसी समय से ट्रेड यूनियन मतलब समझिए बन रही है ना अठारह से ही तो दिस इज द आंसर इस ये एक्सप्लानेशन है अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट तो आपको ये आई ए आई अब आप ये समझ लीजिए कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो बना था 1920 में और उनकी लीडरशिप जो प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय थे ठीक है अब क्या है कि जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो नाइनटीन में बना था हिंदुस्तान हिंद मजदूर सभा ये बना था 1948 में दो बार पूछा है अभी तक यूपीएससी ने बीएमएस है ना भारतीय मजदूर संघ ये 1955 में बना है और सीआईटीयू ये 1970 में बना है अगर क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में तो पहले ए फिर आई फिर एच एम एस सो द आंसर इज बी ठीक है ये फैक्चुअल है ये एक्सप्लानेशन है अगला क्वेश्चन ये है कि हु एमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अभी मैंने बताया है फर्स्ट ऑल फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि 1920 में बनी थी लाला लाजपत राय अगला क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग अगेन द सेम क्वेश्चन सीआईटीयू कब बनी थी 1970 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी 1920 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी नाइनटीन में इसके बाद हिंद मजदूर सभा कब बनी थी नाइनटीन में और भारतीय मजदूर संघ कब बनी थी नाइनटीन में तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले होगा टू वाला फिर आएगा थ्री वाला फिर आएगा फोर फिर फाइव फिर वन सो टू थ्री फोर फाइव वन दो बार पूछा है ये यूपीएससी पी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये एक्सप्लानशन है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज ओरिजिनली फॉर्म टू गिव इंडियन रिप्रेजेंटेशन टू आई अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो बनाया गया था 1920 में वो इसीलिए बनाया गया था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है अब इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय थे ठीक है सो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका आंसर होगा बाकी मैंने आपको बता दिया कि मद्रास लेबर यूनियन जो है वो नाइनटीन में कौन बनाया था बी पी वाडिया ये सब आपको पता होना चाहिए टेक्सटाइल लेबर एस, एस, एसोसिएशन अहमदाबाद में बना था महात्मा गांधी जी भी उसमें थे ये भी उन्नीस में बनी थी और बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो थे वो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो था वो आपको बना था अठारह सौ नब्बे में नारायण मेघजी लोखंडे ने बनाया था ठीक है ये एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई अगला question है अगला क्वेश्चन है हु एमोंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन अब इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन क्या है ये द तो फेडरेशन जो है फॉर्म हुआ था आई टी यू सी टू थाउजेंड सिक्स में हुआ था और इसमें दो मर्ज हुए थे एक मर्ज हुए थे इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन प्लस वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर ये दोनों मिल करके बनाया था इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन और ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट को क्या करता है प्रमोट करता है इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुए थे वियना वियना जो कि है ऑस्ट्रिया में और इनकी जो इसकी जो आ, 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 आई टी यू सी का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है बेल्जियम में है ब्रसेल्स में है ना बेल्जियम और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे सरन बरो है ना सरान बरो और जो ये ये गाई राइडर है है ना गाई राइडर इसके जनरल सेक्रेटरी थे ठीक है अभी अगर अब बाकी बात करते हैं जुआन सोमाविया कौन थे इसमें गाई राइडर आपको सेक्रेटरी थे अब इसमें जो ऑप्शन है जुआन सोमाविया एट दैट टाइम है ना मतलब 2012 में आ, आपको ये आ, क्या थे डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएलओ है ना सो डायरेक्टर जनरल ऑफ आई एल ओ उस समय थे अभी डायरेक्टर जनरल जो चिले के थे और अभी जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ आई एल ओ कौन है वो भी आप याद रखेंगे गिलबर्ट गिलबर्ट होंगबो है ना ये आपको अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है इसके बाद पास्कल लैमी जो उस समय थे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यू टी ओ हो और अभी जो है कौन है आपको पता होगा नगोजी है ना ओकोंजो ये अफ्रीका की है पहली महिला है है ना इवेला ये जो है ये अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आ, उसमें अभी डायरेक्टर जनरल है ये जो क्वेश्चन थे उस समय जो आपको थे वो क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपको इस बाने में सब कुछ लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज वाज मूटेड एंड रिकॉमेंड किसने रिकमेंड किया था क्या पहला लेबर कमिश्नर ने किया फर्स्ट नेशनल कमीशन अब देखो अब इसको ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप ले लो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो बनी थी वो नाइन चौबीस दिसंबर दि, आप आप भी याद रखें नाइनटीन सिक्सटी सिक्स को बनी थी जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी नाइनटीन सिक्सटी नाइन में ठीक है और इसकी जो हेड थे वो आप याद रखें पी बी गजेंद्र गडकर है ना ये इसके हेड थे पहला नेशनल लेबर कमीशन का ठीक है और ये अपना जो लेबर प्रॉब्लम्स थी उसको अपना रिपोर्ट एग्जामिन किए थे दूसरा जो लेबर कमीशन बनती है वो बनती है पंद्रह अक्टूबर उन्नीस को और ये रिपोर्ट देती है 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी है ना और इसमें प्राइम इसके जो थे रविंदर वर्मा रविंदर वर्मा ये इसके चेयरमैन थे ठीक है इसके बाद होती है नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर ये बनती है 1987 में 11 अगस्त 1987 को बनती है और रूरल लेबर का प्रॉब्लम को देखने के लिए और यही यूनिफॉर्म वेज के लिए ये कहते हैं कि नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज होना चाहिए है ना इन्होंने ही रिकमेंड किया था नाइनटीन में इन्होंने रिपोर्ट दी थी ठीक है तो नाइनटीन में तो आंसर क्या हो गया नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर अब नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज होता क्या है सो दिस इज द मिनिमम वेज जिसके जिससे कम है ना गवर्नमेंट कोई भी जैसे मान लीजिए पाँच सौ रुपये डेली का कर दिए तो कोई भी स्टेट पाँच सौ से ज़्यादा वो दे सकता है बट पाँच सौ से एक गवर्नमेंट की ज़्यादा कम नहीं दे सकता वो सो दिस इज द नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज मतलब कि मिनिमम वेज इज बिलो विच नो स्टेट गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेज उससे कम कोई नहीं दे सकता कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं ठीक है इसके बाद है कमेटी ऑन फेयर वेज ये 1948 में बनाई गई थी है ना कि कंपनी कंट्री में वेज की क्या स्ट्रक्चर हो उसके लिए ठीक है ये आपको एक्सप्लानशन में सब कुछ लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन है कि फिफ्टीन सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस फिक्सिंग मिनिमम वेज के लिए क्या रिकमेंड नहीं किया था तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फिफ्टीन सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस पहले हुआ कब था सो फिफ्टीन सेवन हुआ था ग्यारह बारह जुलाई नाइनटीन फिफ्टी सेवन को पहला क्वेश्चन कहाँ पे हुआ था न्यू दिल्ली ठीक है चेयरमैन कौन थे गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल नंदा ठीक है अब ये नॉम ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है जो 1957 में हुआ था वो मिनिमम वेज के लिए ऐसा माना था कुछ चीजें माना था कि इसको आपको काउंट में लेने हैं तो उसमें क्या क्या था पहला था कि मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट इनटेक ऑफ 2700 कैलोरी ये था कि मिनिमम पहले था कि थ्री कंजम्पशन यूनिट्स फॉर एक वर्नर के लिए तीन कंजम्पशन यूनिट होगी मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट जो होगी सत्ताईस सौ कैलोरी पर एवरेज इंडियन एक इंडियन एडल्ट पे सत्ताईस सौ कैलोरी है ना क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट बहत्तर यार्ड क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट होगा और अट्ठारह यार्ड्स जो होगा पर एन का है ना इसके बाद पर फैमिली का बहत्तर यार्ड है सेवेंटी टू यार्ड्स हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट हैं और अठारह यार्ड्स जो है तो कॉनिंग क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट पर कैपिटा एक पर्सन का है इसके बाद फ्यूअल लाइटिंग एंड अदर मिसलेनियस आइटम बीस परसेंट टोटल मिनिमम वेज का इसमें होना चाहिए जैसे जितना भी वेज करें उसमें ये भी ध्यान रखना है इसके बाद रेंट होना चाहिए रेंट और हाउसिंग का भी है लेकिन एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट इसमें कुछ भी ऐसा था नहीं कि आ, कितना परसेंट देना है ठीक है सो द आंसर इज़ बी हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फिफ्टीन नेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में मिनिमम वेज को फिक्स करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं था सो so, एजुकेशन वाली क्राइटेरिया नहीं थी अब आप ये एक्सप्लानेशन है इसमें सारी दी हुई है अगला क्वेश्चन है अब इसमें है कि इंडस्ट्रियल वेलफेयर अब इसमें क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है और उसके कंट्रीब्यूटर का नाम है अब इंडस्ट्रियल वेलफेयर तो लेबर वेलफेयर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किसने किया था वो किया था रॉबर्ट ओवेन ने हमने ये बात किए थे इसको फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म किया गया था इन्होंने कहा था कि विमेन के लिए क्रेज की फैसिलिटी होनी चाहिए है ना तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ये सब इन्होंने ही कहा था लेबर वेलफेयर में रॉबर्ट ओवेन ने है ना तो इंडस्ट्रियल वेलफेयर रॉबेट ओवेन इसके बाद ह्यूमन रिलेशन थॉट जो है ह्यूमन ये एल्टन मायो है है ना उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी उसमें था कि जो मशीन से ज़्यादा लोगों की इम्पोर्टेंस है प्रोडक्टिविटी में ये इस पर इन्होंने स्टडी की थी कि, कि कोई भी जो कारखाना -कार है फैक्ट्री है वहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है जो प्रोडक्टिविटी जो है वो मशीन से ज़्यादा पीपल पर डिपेंड करता है है ना तो ये बताया था एल्टन मायो ने तो ए का थ्री बी का फोर इज डी नाउ कंसेप्ट ऑफ थर्ड फोर्स कौन दिया था कंसेप्ट ऑफ थर्ड फोर्स जो दिया था वो दिया था चार्ल्स ए मायर ने ये लेबर को थर्ड फोर्स माना था है ना लेबर इकोनॉमिस्ट थे इसके बाद अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट जो था वो ए के राइस ने अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट जो है सो कंडक्ट किया था इन्होंने किया था कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो रही है उससे क्या क्या इफेक्ट होगी लेबर पर ठीक है सो स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेज ऑन लेबर सो so, ये कह रहा है इसका हो गया सो so, आंसर ये हो गया ये एक्सप्लानीशन है अगला क्वेश्चन है अब अगेन इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर कब बना था 1966 में रिपोर्ट दिया नाइनटीन नाइनटी में और इसके हेड कौन थे जस्टिस पी बी गजेंद्र गडकर है ना तो आंसर ये हो गया इसके बाद सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ये बनती है कितने 1999 में रिपोर्ट देती है 2002 में और इनके चेयरमैन कौन होते हैं रविंदर वर्मा तो सी का टू और ए का थ्री है ना ए का थ्री और सी का टू तो आंसर तो ये हो गया अब वेज बोर्ड ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट देखिए जस्टिस मजीठिया में एक 2007 में बनाई गई थी है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो बोर्ड बनाई थी एक वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए और एक नॉन जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर एम्प्लॉई के लिए कि इनकी वेज कितनी होनी चाहिए है ना कि रेट ऑफ वेज उसको फिक्स करने के लिए ये कमेटी बनाई थी तो आर मजिठिया के देखरेख में जस्टिस मजीठिया इसके बाद इंडेक्स रिव्यू कमेटी ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2006 में बनाती है इंडस्ट्रियल इंडेक्स रिव्यू कमेटी बनाती है 2006 में जिसके चेयरमैन होते हैं जीके चंदा और ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो होगा इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए उसकी बेस ईयर टू होनी चाहिए एट दैट टाइम ठीक है सो आंसर थ्री फोर टू वन और ये एक्सप्लानीशन है ये दो की ए एफ के क्वेश्चन हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग लेजिलेशन इज कम्प्रीहसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिशन कम्प्रहेंसिव इसमें सब कुछ आ रहा है तो मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट मातृत्व लाभ नाइनटीन सिक्सटी वन में इंप्लॉयिज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट में इंप्लाइज कॉम्पन्सेशन एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में ठीक है द इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ये नाइनटीन फिफ्टी टू में था अब ये बोल रहा है कि अब देखो आपको पता होना चाहिए कि हर एक्ट का, का काम क्या है तो ऑब्जेक्टिव मैटर्निटी बेनिफिट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो विमेन है, है ना उनको चाइल्ड बर्थ से पहले और चाइल्ड बर्थ के बाद मैटर्निटी बेनिफिट मिलना चाहिए सो ये ये लिखा हुआ है मैटर्निटी बेनिफिट में तो इसमें इंक्लूसिव करके कुछ नहीं होगा है ना साम व्यापक सामाजिक सबसे ज़्यादा जो आ, सोशल सिक्योरिटी इन सब में से है इसके बाद है कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कंपनसेशन एक्ट होता है कि मान लेते हैं कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयी जो है इंजरी हो गई बाई एक्सीडेंट से कंपनी में इस्टेब्लिशमेंट में तो एम्प्लॉयर को क्या करना है उसमें कितने पैसे देने हैं वो है तो इसमें भी सारे कवर नहीं होते हैं द इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन ये होता है कि जो पेंशन फ़ंड या डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस फंड या इसमें है कि जो फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट काम करते हैं उनको प्रोविडेंट ये क्या कहते हैं प्रोविडेंट फंड्स वगैरह के लिए प्रोवाइड करना तो ये भी नहीं होगा ये जो द इम्प्लॉज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948 इसमें आपको सब कुछ है है ना सीकनेस अगर आपको है बीमारी है मैटरनिटी है एम्प्लॉयमेंट इंजरी कुछ हो जाता है या और भी कुछ है तो उसमें ये सब आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस में सो दिस इज द आंसर ये एक्सप्लानेशन में सब लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हाउसिंग फैसिलिटी इज अ प्रोविजन सो प्लांटेशन ऑफ लेबर एक्ट जो है उसमें हाउसिंग को स्टैचुट्री स्टैचुट्री प्रोविजन मतलब कि एक्ट में लिखा हुआ है हाउसिंग का है ना वो सेक्शन फिफ्टीन में लिखा हुआ है कि ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है इट सैल द ड्यूटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एंड मेंटेन फॉर एवरी वर्कर एंड हिज फैमिली उसकी फैमिली और वर्कर को प्लांटेशन में रखना और नेसेसरी हाउसिंग एकोमोडेशन देना ये स्टैचुटरी प्रोविजन है स्टैचुटरी प्रोविजन मतलब एक्ट में लिखा हुआ है ठीक है okay, so अगला क्वेश्चन है ओके सो द एक्सप्लेनेशन अगला क्वेश्चन है द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियलेशन अब गिरी अप्रोच जो होता है वो होता है ये आपको कंपलसरी कलेक्टिव बार्गेनिंग कंपलसरी कलेक्टिव बारगेनिंग सो ये कहता है कि इट इज़ एन इसशियल कंडीशन टू तो मेंटेन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ऑपटेन द गोल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस ये कहते हैं कि आपको वॉलंट्री निगोशिएशन होनी चाहिए अगर तो कोर्ट में चले गए तो ठीक है ना अगला क्वेश्चन है तो यह आपको देखो यह है अगला क्वेश्चन है वर्कस कमेटी सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी यह किस चीज की एग्जाम्पल है तो यह सब जो है ये है वर्कर्स पार्टिसिपेशन अगर आप सेफ्टी कमेटी में है या वर्कर्स वर्कस कमेटी है या कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी है तो उसमें इम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों के होते हैं तो ये बात कर रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री ठीक है तो ये आर्टिकल फोर्टी थ्री ए में लिखा भी हुआ हमारे so, है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डी पी एस पी में क्लियर सो वर्क ऑफ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एम्स एंड पर्पज ऑफ द आई एल ओ एज पे एज पर फिलानदेल्फिया डिक्लेशन अब फ़िलाडेल्फिया डिक्लेशन क्या था यह आपको पता होना चाहिए सो so, फिलाडेल्फिया डिक्लेशन में इसमें कौन कौन नहीं है तो चार चीज़ें उन्होंने कही थी उसमें कहा था कि लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी लेबर कमोडिटी नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर इसेंशियल प्रोग्रेस के लिए फ्रीडम एसोसिएशन बनाने का और एक्सप्रेशन जो है इसेंशियल है पॉवर्टी एनी वेयर कंस्टिट्यूटेड डेंजर टू प्रोस्पेरिटी कहीं पर भी जो उन्नति हो रही है वो अगर कहीं पे पॉवर्टी है तो उसके लिए डेंजरस है द वार अगेंस्ट वांट रिक्वेस्ट टू बी कैरीड ऑन विथ अनरिलेंटिंग विगर विथ ईच नेशन एंड बाई कंटिन्यूअस एंड कॉन्क्रीट इंटरनेशनल इपोर्ट है ना कोई भी चीज जो है अगर आपको ये अगर मान लेते हैं तो गरीबी के खिलाफ जंग के लिए आवश्यक है प्रत्येक राष्ट्र के अंदर इससे निरंतर उत्साह से लड़ा जाए जो कि पूरी तरह से सरकार का दायित्व तो, नहीं सरकार का नहीं दायित्व तो है यह इंटरनेशनल इपोर्ट का दायित्व है तो नॉट पूछ रहा है तो आंसर यह हो जाएगा समझ गए द वार अगेंस्ट वॉन्ट रिक्वेस्ट टू बी कैरीड ऑन विथ फिगर विथ ईच नेशन एंड इस सोनली द रिस्पांसिबिल नहीं ये सिर्फ गवर्नमेंट का रिस्पॉसिबिलिट नहीं है हमने देखा है कि दिस इज द कंटिन्यूस एंड कंसर्न कंक्रेटेड इंटरनेशनल एफर्ट है इसमें तो ये फिलान्फिया ये आपको फिलाडेल्फिया डिक्लेशन में ये चीज़ें थी, थी अगे दूसरा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द फाइव फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म आइडेंटिफाई द रॉबर्ट हॉक्सी अब रॉबर्ट हॉक्सी ने पांच तरह की बताई थी एक बताई थी बिजनेस यूनियनज्म है ना यूनियनिज्म इसके बाद एक बताया था प्रिडेटरी एक बताया था रिवोल्यूशनरी और इवोल्यूशनरी बताया नहीं था है ना तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन मतलब कौन सा नहीं है तो इवोल्यूशनरी तो तीन ये हो गया और दो कौन कौन बताया था एक बताया था डिपेंडेंट ठीक है सो डिपेंडेंट यूनियनिज्म और एक बताया था फ्रेंडली या अपलिफ्ट ये आप नोट डाउन करेंगे फ्रेंडली और अपलिफ्ट ठीक है सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेश्स ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉयर इन्वॉल्व इन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर बॉट टुगेदर दोनों को एक साथ ला करके तीसरे पर्सन के पास में या ग्रुप ऑफ पर्सन के पास में जो मेडिएशन करेंगे है ना और म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट बनेगी दोनों के विचार से अब देखो इसमें ये चारों मीनिंग आपको पता होना चाहिए सो नाउ व्हाट इज एडजुडिकेशन एडजुडिकेशन आप ये होता है कि अगर आप कोर्ट में जाते हो जज होते हैं या पैनल ऑफ जज होते हैं वो जो डिसीजन देते हैं आप एविडेंस देते हो उसके अनुसार से डिसीजन देते हैं देट्स एडजुडिकेशन ठीक है तो एडजुडिकेशन होगा नहीं अब ये क्या है कि कलेक्टिव बारगेनिंग हम लोग बहुत बार कलेक्टिव नेगोशिएशन है कलेक्टिव बारगेनिंग हम लोगों ने बहुत बार देखी है ये कलेक्टिव नेगोशिएशन होता है कि एम्प्लॉई के साइड के लोग और एम्प्लॉयर के साथ में खुद बैठ करके अपना जो वर्किंग कंडीशन है या सैलरी बढ़ानी है कुछ भी बेनिफिट लेनी है तो सॉल्व कर लेते हैं तो ये भी नहीं है एक है आर्बिट्रेशन और एक कॉन्सिलेशन इसकी डिफरेंस आपको समझिए कि आर्बिट्रेशन क्या होता है एक ये भी डिस्प्यूट रेजुएशन की ये है उसमें क्या है कि एक आदमी होगा है ना और इसमें क्या होगा इधर क्या होगा एम्प्लॉई के लोग होंगे और इधर एम्प्लॉयर के भी होंगे इधर एम्प्लॉई है ना और इधर एम्प्लॉयर के लोग होंगे और ये जो है सो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को दोनों को बिठा करके ये थर्ड पर्सन होगा वो दोनों का सुन करके फैसला देगा कोर्ट जाने से बचेगा और ये जो फैसला देगा आर्बिट्रेटर इसको बोलते हैं और आर्बिट्रेटर जो फैसला देगा वो बाइंडिंग होगा सो दैट्स आर्बिट्रेशन तो इसमें क्या हो गया कि इसने फैसला लिया लेकिन कौंसलेशन एक बड़ा अच्छा चीज़ होता है सुलह उसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है यहाँ पे एक पर्सन होता है लेकिन वो क्या करता है इस दोनों को एक जगह बिठाता है जो वर्कर वाले लोग हैं और जो एम्प्लॉय वाले लोग एम्प्लॉयर वाले हैं दोनों एक जगह बैठते हैं दोनों ये बस देख रेख करता है और दोनों खुद से क्या करता है है ना निगोशिएशन कर लेते हैं ठीक है बस ये देख देख के रहता है है ना लड़ाई ना कर लें और दोनों खुद से बैठ करके के निगोशिएट कर दैट्स अ कौंसिलेशन सो आपको समझ में आ गया कि आर्बिट्रेश एडुटिकेशन क्या हो गया कोर्ट में चले गए कॉलेक्टिव हो गया कि खुद से इंडस्ट्री के अंदर में ही फैसला कर लिए एड आर्बिट्रेशन हो गया आपको एडजुडिकेशन समझ गए आर्बिट्रेशन हो गया कि एक आर्बिट्रेटर होगा वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की बात सुनेगा और वो फैसला दे देगा कोर्ट जाने से बचेगा और एक होती है कौनसिलेशन कौनसिलेशन में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा वो क्या करेगा दोनों का सुन करके और एक वो कुछ डिसीजन नहीं लेगा ये बंदा बस ये सुनेगा और ये दोनों खुद से निगोशिएट कर लेंगे तो यही आपको बात कर रहा है, है ना कि थर्ड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु फैसिलेट थ्रू मेडिएशन टू रीच अ म्यूचुअली सेटिस्फेक्ट्री एग्रीमेंट दोनों मिल करके एक एग्रीमेंट पे आएंगे ओके okay? ठीक है ये एक्सप्लानेशन है अगला क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है यूनियन हुज मेंबरशिप मेक कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन मेनी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट इज नोन एज अब क्या है कि ऐसे संघ को क्या कहा जाता है, है ना जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों रोजगार और शिल्पकारों में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है देखो क्राफ्ट यूनियन जो होता है वो ऐसे क्राफ्ट यूनियन होता है कि वैसा ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है जिसमें सेम स्किल क्राफ्ट की लोग हैं तो वो हो गया क्राफ्ट यूनियन तो ये होगा नहीं है ना मैनी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है इसके बाद रीजन कम इंडस्ट्री लेवल होती है रीजन कम इंडस्ट्री लेवल यूनियन होता है इसमें क्या होता है हर कैटेगरी के एम्प्लॉय होगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ठीक है ना उस पर्टिकुलर रीजन में जैसे अगर कानपुर में लेदर फैक्ट्री है ठीक है तो अब कानपुर में लेदर फैक्ट्री के जितने भी एम्प्लॉई होगी लेदर इंडस्ट्री की कानपुर में वो हो जाएगा रीजन कम इंडस्ट्री लेवल इंडस्ट्रियल यूनियन तो उन सब के अगर यूनियन बन जाए तो ये भी नहीं होगा इसके बाद एक जनरल यूनियन होता है इसमें क्या है कि सब किसी तरह का इंडस्ट्री हो कोई भी कंपनी हो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन है है ना पर्टिकुलर सेक्टर का उसके सारे हो गए हैं तो जैथा जनरल यूनियन तो हमारा मेनी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट किसी भी क्राफ्ट में हो किसी भी एम्प्लॉयमेंट uh, में हो किसी इंडस्ट्री में हो तो वो हो जाएगा तो ये हो गया और इंडस्ट्रियल यूनियन होता है जितने भी जितने भी वर्कर्स हैं है ना चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हो दैट्स ए इंडस्ट्रियल यूनियन ठीक ठीक है तो आप समझ गए होंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इसमें दी हुई है वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइडेड अभी हम लोग बात किए थे ये आपको होती है फोर्टी थ्री ए में लिखा हुआ है कि पार्टी स्टेट को ऐसा स्टेप लेना चाहिए लेजिस्लेशन बनाना चाहिए जिसमें कि पार्टी वर्कर की, पार्टि, की पार्टिसिपेशन मैनेज इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में हो इसके बाद थर्टी नाइन ए क्या कहता है वो भी मैं बता देता हूँ ये फ्री लीगल की बात करते हैं बयालीसवें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड किया गया था इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात किया किन को पुअर और वीगर सेक्शन को आर्टिकल फोर्टी टू में है कि आ, जो वर्क हो या मैटर्निटी विलीफ के बारे में लिखा हुआ होगा मेटर्नीटी रिलीफ के बारे में कि प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन मतलब वर्क की कंडीशन जो अच्छी हो और मैटर्नीटी रिलीफ हो आर्टिकल फोर्टी थ्री बी जो है वो नाइन्टी सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ठीक है मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपके एक्सप्लेनेशन में सब दिया हुआ है उसमें कॉपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए दिया हुआ है सो so आंसर क्या हो गया हमारा फोर्टी थ्री ए ये आपको एक्सप्लानशन में सब कुछ लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर अब ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर जो है तीन है एक क्लोज ऑफ सिस्टम होते हैं क्लोज सॉफ्ट सिस्टम एक एजेंसी सॉफ्ट सिस्टम होते हैं और एक यूनियन सॉफ्ट सिस्टम होते हैं ओपन सॉफ्ट सिस्टम में ये ट्रेड यूनियन मेजर नहीं है ये अलग से कुछ है सो so, सबसे पहले कौन सा ट्रेड नहीं है तो ये बता दिए लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज लोप शॉप सिस्टम है क्या इस पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे बना सकते हो देखो हम बात करते हैं कि इसमें क्लोज शॉप सिस्टम क्या होता है अब ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एम्प्लॉयर कहेगा है ना एम्प्लॉयर ये कहेगा कि आपको अगर यहाँ पे बनना है तो आप ये पर्टिकुलर यूनियन के मेंबर होंगे तब बनना है दैट्स अ क्लोज शॉप सिस्टम समझ जाइए कि मतलब अगर हमारे यहाँ वर्क करना है जैसे मान लीजिए कि इस इंडस्ट्री में लेदर इंडस्ट्री में काम करना है तो लेदर यूनियन है उसके मेंबर होंगे तभी हम आपको हायर करेंगे है ना तो क्लोज शॉप सिस्टम वो, वो हुआ कि एम्प्लॉयर और यूनियन दोनों मिल बात कर लेता है कि भाई एम्प्लॉयर विल ओनली हायर यूनियन मेम्बर जो यूनियन के मेम्बर होंगे तो आपको अगर उसमें हायर होना है तो आपको यूनियन के मेम्बर होने होंगे ये हो गया क्लोज शॉप अब इसी तरह ओपन शॉप की बात कर लो है ना तो ओपन शॉप में क्या होगा कि यूनियन का मेंबर हो या ना हो है ना वो कंपनी एम्प्लॉयर जो है सो हायर कर सकता है है ना यूनियन हो या ना हो यूनियन के मेंबर हो या ना हो आपको हायर कर सकता है दैट्स अ ओपन शॉफ सिस्टम लेकिन ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर में ये ओपन शॉफ सिस्टम आता नहीं है अब यूनियन शॉफ सिस्टम क्या होगा ठीक है ये दो तो हम लोग क्लोज और ओपन समझ गए हैं यूनियन शॉफ सिस्टम क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं है ना यूनियन की सिक्योरिटी की मेजर्स जो हैं ट्रेड यूनियन की अगर मान लीजिए कि वो एम्प्लॉयर कोई यही नहीं बनेगा तो फिर यूनियन रहेगा ही नहीं मेम्बर तो बनना पड़ेगा ना तो इसलिए ये तीन है क्लोज शॉप और ये वो यूनियन इस कंडीशन में ओपन शॉप में तो मेंबर बनो ना बनो उससे कोई मतलब नहीं है नाउ यूनियन शॉप सिस्टम क्या होता है जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर जो है सो किसी को हायर कर सकता है नॉन यूनियन मेंबर्स को जो मेम्बर नहीं है उसको भी लेकिन उसको बोलेगा कि ठीक है भाई तीस दिन या पंद्रह दिन के अंदर में आपको आपको अगर एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू रखना है तो इस यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा ठीक है तो दैट्स अ यूनियन शॉप सिस्टम एजेंसी शॉप सिस्टम क्या होता है कि एग्रीमेंट बन गया मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में कि नॉन यूनियन मेंबर जो होगा उसको पे करना पड़ेगा पूरा पैसा सब्सक्रिप्शन का पैसा अगर एम्प्लॉयमेंट को जारी रखना है जैसे मान लीजिए कि पहले से चल रहा है लेकिन अचानक से एजेंसी सॉफ सिस्टम आ गया कि बोला कि नहीं नहीं बहुत मेंबर तो है ही नहीं लोग इसमें यूनियन के तो ऐसा करते हैं कि जितने भी मेंबर नहीं है उनको एक एग्रीमेंट ट्रेड यूनियन और ये दोनों बना लिया कि भाई जितने भी आपके यहाँ मेंबर नहीं है उन सब से सब्सक्रिप्शन फी आप लीजिए अगर उनको एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू करना है दैट्स एजेंसी सॉफ सिस्टम बीच जो ये तीन है ना क्लोज शॉप सिस्टम एजेंसी सॉफ इसमें देख लो आप मेंबरशिप बनना ही है आप थोड़ा तीस दिन के बाद बनो या आपको बाद में बना दिया गया बट यूनियन शॉप सिस्टम में ऐसा नहीं है यूनियन शॉप सिस्टम में किसी को यूनियन मेंबर हो या ना हो उसको हायर किया जा सकता है ठीक है तो ये क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियन है अगर मान लीजिए इसमें मेम्बर ही नहीं बनेगा तो उसके फायदे फिर नहीं होंगे ना और यूनियन रहता है तो वो आपको एम्प्लॉयर को ही फायदा होता है कि एक जगह एक ही लोग बात करने आएगा नहीं तो सारे लोग बात करने आ जाएंगे ना सो so, ये सारी चीज़ें हैं और ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी की है होप आपको समझ में आई होगी अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैचुट्री मशीनरी फंक्शन एट द सेंट्रल लेवल अब सेंट्रल लेवल पे कौन सा स्टैचुट्री है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो एक्ट है जो नाइनटीन में आई थी दैट्स अ स्टैचुट्री और ये सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इंडियन वर्कर्स के लिए तो यही एक है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो एक स्टैचुटरी मशीन है जिसका मतलब कि एक्ट से जो आया है ठीक ये एक्सप्लानेशन में है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉल एक्सप्लेन द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर नागरिक संकल्पना अब सिटीजन कॉन्सेप्ट क्या होता है सिटीजन कॉन्सेप्ट को आप डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट नाउ डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ये अब ये क्या होता है कि जो वर्कर है ना वो उसको नागरिक समझा जाता है इंडस्ट्री का वर्कर को सिटीजन्स ऑफ इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है उसमें उसका नागरिक समाज समझा जाता है और उसको फिर बोलने का अधिकार होता है कि अगर आपको कोई रूल्स या रेगुलेशन बना रहे हो जिसमें तो उसमें बोल सकता है कि नहीं आ, उससे पूछा जा सकता है डेमोक्रेटिक मतलब हो गया कि कोई भी रूल्स बनाएंगे सीधे नहीं इम्प्लॉयर बना देगा वो वर्कर से पूछेगा कि हाँ ये रूल बना रहे हैं उससे बातचीत करेगा ठीक है ना दैट्स अ डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट या सिटे ऑफ सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट ठीक है इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी उसमें बनी रहती है है ना सो so, ये किसमें क्या आंसर हो जाएगा लेबर है द राइट टू बी कंसल्टेड रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क किस कंडीशन में वर्क करेंगे कोई रूल्स रेगुलेशन बनाने से पहले लेबर ये करेगा ठीक है ये आपको एक्सप्लेनेशन है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर द सेवेंथ शेड्यूल अब सेवेंथ शेड्यूल में स्टेट लिस्ट है यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है तो इसमें से कौन सा स्टेट लिस्ट में आता है तो आप देख लो जो यूनियन लिस्ट में आता है रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइन्स ये आता है माइन्स एंड ऑयल फील्ड्स ये आता है यूनियन लिस्ट में रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनुफैक्चर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साल्ट ये आता है यूनियन लिस्ट में सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस आपको याद रखना है ये यूनियन लिस्ट में आता है लेकिन रिलीफ ऑफ द डिजेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयल के लिए जो रिलीफ है वो है आपको स्टेट लिस्ट में ठीक है तो आपको यह समझ में रखना है ये एक्सप्लेनेशन है आपका अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एक्रोड फार्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ डॉक्टर एक्रोड फार्मूला जो है वो मिनिमम वेज को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला था ठीक है ये ये न्यूट्रिशियन थे है ना डाइटिशियन है ना तो इन्होंने कैलकुलेट किया था अगला क्वेश्चन है कि एवरी वन हैज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज़ द राइट टू सोशल सिक्योरिटी

जो संगठन है है ना रिसोर्सेज ऑफ ईच स्टेट ऑफ इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट है ना इनडिस्पेंसिबल ऑफ इच डिग्निटी एंड फ्री डेवलपमेंट ऑफ उसकी पर्सनालिटी है ना डिग्निटी मान मर्यादा उसको क्या करना है कि अधिकार का वो हकदार है है ना तो हर सोसाइटी में हर मेंबर को ये सारी अधिकार है दिस स्टेटमेंट विच इज इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैज़ बिन एक्सप्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग किसमें ये एक्सप्रेस किया गया है तो आपको मैं बता दूँ कि ये यूनि यूनिवर्सल डिक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट में आर्टिकल 22 में ये सेम लाइन लिखी हुई है आर्टिकल 22 में सेम लाइन लिखी हुई है ठीक है ये सेम लाइन लिखी हुई है अगला क्वेश्चन है ये 2002 या 2004 के ए में पूछा गया था कि इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न कंपनीज द ट्रेंड इज टुआर्ड वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल को मैनेजमेंट रेशियो भी बोलते हैं मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ सबॉर्डिनेट्स कंट्रोल डायरेक्टली बाई सुपीरियर एक सुपीरियर के अंदर में कितना सबॉर्डिनेट्स हैं दैट्स अ स्पैन ऑफ कंट्रोल सिंपल सी लैंग्वेज है अब ये क्या है अब अभी का इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न कंपनी अभी की जो कंपनी है द ट्रेंड इज टुवर्ड्स वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया मतलब अभी क्या हो रहा है कॉस्ट को बचाने के लिए डिसीजन मेकिंग को स्पीडी करने के लिए फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए है ना ये क्या कर रहा है अब लोग वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल का पीछे भाग रहे हैं मतलब नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स हैं वो सुपीरियर के बहुत ज़्यादा ज़्यादा नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट जो है सो so, सुपीरियर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं मतलब सारा कुछ यही डिसीजन लेगा सो द वाइडर स्पैन की तरफ भाग रहे हैं अभी नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल डिस्करेज ऑटोनॉमी अगर मान लेते हैं कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है देखिए वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया कि मतलब इसकी डिसीजन ये लेगा इसकी डिसीजन ये होगा है ना इसकी डिसीजन ये लेगा मतलब कि फाइनेंशियल का कोई और लेगा है ना अब नैरो स्पेन में कंट्रोल में ऑटोनॉमी को डिस्करेज करता है क्यों करता है जो हर एम्प्लॉई है ना जो है वो एवरी सुपरवाइजर हैज कुछ कुछ उसके पास सब सब ऑर्डिनेट्स होंगे है ना तो नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल जो कंट्रोल uh, है वो ऑटोनॉमी को डिस्करेज करता है इसीलिए सारा लोग वो आप वाइडर पे जा रहे हैं तो ये इस सरसन भी सही है और रीजन भी सही है होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है मैनेजमेंट रेशियो वो कितना एक सुपीरियर कितने सबॉर्डिनेट को ये कर रहे हैं और वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि अब बहुत सारे डिसीजन मेकिंग स्पीड रिड्यूस को का कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए डिसीजन मेकिंग स्पीड हो इसलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल अब ज़्यादा हो रहा है मतलब मैनेजमेंट रेशियो ज़्यादा हो रहा है है ना मतलब एक आदमी के बीच में बहुत ज़्यादा सबॉर्डिनेट है है ना सो दिस इज द आंसर ये इसका एक्सप्लानशन है और भी ज़्यादा अच्छे से आप समझ में आ जाएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपेरियर टू होम ही और सी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू नो नोनेज अब इसमें कुछ कुछ हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल आपको पता है क्या होता है कि मैनेजमेंट रेशियो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट कितना एक सुपेरियर में है अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है सो यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि एक बॉस है जिसको सारा एम्प्लॉ उसी को रिपोर्ट करेगा दैट्स अ यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल सा चेन ऑफ कमांड क्या होता है चेन ऑफ कमांड क्या होता है कि हर मेंबर कंपनी का है ना एक दूसरे को रिपोर्ट करता है ठीक है ना ये इसको रिपोर्ट कर रहा है फिर ये इसको कर रहा है फिर ये इसको कर रहा है है ना ऐसे हर मेंबर तो इसको बोलते हैं चेन ऑफ कमांड तो हमारा जो क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सब ऑर्डिनेट सुड है वन सुपेरियर एक ही सुपेरियर है उसका तो वो कौन हो गया यूनिटी ऑफ कमांड ठीक है सो आंसर यूनिटी ऑफ कमांड ये आपको एक्सप्लानेशन अगला क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ कमांड कैन नॉट ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड इन प्रैक्टिस यूनिटी ऑफ कमांड प्रैक्टिस में नहीं है है ना कैन नॉट ऑलवेज स्ट्रिक्टली क्योंकि ये हमेशा नहीं हो सकता है कि एक ही बॉस रहेगा बाकी जिस पूरी कंपनी में एक बॉस रहेगा उसी को सारे लोग रिपोर्ट करेगा दैट्स नॉट पॉसिबल छोटी कंपनी एक दो लोग की हो तो एक अलग बात है बट ऐसा होता नहीं है तो ऑलवेज कैन नॉट ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड ऐसा हमेशा नहीं होता है तो यह सेसन सही है क्योंकि वर्कर्स शुड रिपोर्ट टू डिफरेंट सुपरवाइजर फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टास्क टेक्निकल वालों को टेक्निकल करनी है फाइनेंशियल वाले को फाइनेंशियल रिपोर्ट करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव वाले के पास में एडमिनिस्ट्रेटिव करनी है तो हर उसके अब टेक्निकल सुपरवाइजर इसके एक एम्प्लॉई है उसके टेक्निकल सुपरवाइजर टेक्निकल वर्क करेगा तो इसको रिपोर्ट करेगा फाइनेंशियल वर्क करेगा तो इसको करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा तो इसको करेगा, इसको, करेगा, इसको, करेगा, इसको करेगा इस तरह से होती है तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हुआ एक बॉस तो हुआ नहीं तो एसरसन भी सही है और रीजन भी सही है ये टू की क्वेश्चन है ए की ओके ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट डे सेशन सेशन फर्स्ट डे का जो है हमारे इंडस्ट्री रिलेशन का कितने भी क्वेश्चन हुए होंगे अराउंड सिक्सटी सेवनी क्वेश्चन हुए होंगे हमें ढाई सौ क्वेश्चन टू फिफ्टी क्वेश्चन करने हैं इन थ्री डेज और आप इसमें सिर्फ क्वेश्चन का ए बी सी डी हमने नहीं किया हमने हर एक पहलू को हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है यू शुड राइट डाउन एक बार नहीं तीन बार आप इस वीडियो को देखो बट आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे हर एक टर्म हर एक और सारे क्वेश्चन यू के पूछे हुए क्वेश्चन हैं कहीं भी किसी भी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं है कहीं खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है एंड ट्राई कीजिए कि आप डेली से डेली इसको कंप्लीट करें है ना पी है उसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं आउट्स में उसमें देख सकते हैं क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में है दो जो दो दोज फ्रॉम द साउथ उनके लिए आपको इंग्लिश में एक्सप्लानीशन है जो नॉर्थ से जिनको हिंदी है तो उनके लिए क्वेश्चन हिंदी में है और एक्सप्लानीशन हिंदी में है तो एक मिक्स uh, uh, हमने बनाई है एंड uh, आप देख सकते हैं कोर्ट ऑफ द डे कि इट डजेंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग दुनिया क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग आप क्या कर रहे हो वही मैटर है एंड एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तभी आएगा जब आप अपना सोचो कि हमें क्या करना है नेवर कंपेयर विथ एनी वन ठीक है uh, उससे कुछ ज़्यादा होता नहीं है ओके okay? आप अपनी को बेटर करने की कोशिश करो एंड इसको कम्प्लीट करो एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल हमारी जो कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसके करेंगे ओके सो so, पी आपको मिल जाएगी एंड कोई अगर सजेशन हो कोई अगर आपको कमेंट्स हो कहीं पर आपको कुछ एरर लगे तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या टेलीग्राम पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे कि हम उसे सुधारेंगे जिससे कि आपको बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलेगी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग